क्या हम हो जाएंगे जुदा, होता है बहुत प्यार में दम, प्यार करने वालों का खुदा। सच्ची है मोहब्बतें, सच्ची है ये चाहतें, इश्क में होती है इबादतें। थोड़ा तो भरोसा कर, तू यकीन कर, हाथ थाम ले मेरा हो जा, हाथ थाम ले मेरा हो जा। कॉन्ग्रेचुलेशंस रीटा, अमेरिकन यूनिवर्सिटी से तुम्हारी स्कॉलरशिप की अप्रूवल मिल गई है। 7 दिनों के बाद तुम्हें अमेरिका के लिए रवाना होना है। ये रहे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स। ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर मिल गई मुझे स्कॉलरशिप, 7 तारीख को जाना है। ये देखिए टिकट्स। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। अरे जैकब, तू यहाँ पर बैठा है, तुझे कुछ खबर भी है? अमेरिका जा रही है तेरी रीटा। एकदम पक्की खबर है गुरु, 7 दिनों बाद वो अमेरिका में होगी। नहीं, वो नहीं जा सकती है, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। हेलो वीवी सर। हाँ बोल रहा हूँ। सर रीटा अमेरिका जा रही है 7 तारीख को। पक्की खबर है? जी सर। ये बताओ उसे वीजा कैसे मिल गया? हमने पूरी कोशिश की सर, लेकिन रीटा के सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे। एक नंबर के निकम्मे हो तुम सब। लड़कियों बस बहुत हो गया, रीटा अमेरिका जाने के लिए बस निकलने वाली है, उसके बारे में भी तो सोचो। चिंता की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। मुझे अपने बारे में कोई चिंता नहीं है डॉक्टर। तो फिर क्या चिंता है? मुझे तो बस इनकी चिंता है। अरे इनकी चिंता मत करिए। 5 साल की कोशिश के बाद भी जैकब उसे सजा नहीं दे पाया। वो बच के चली जाए ये मैं होने नहीं दूंगा। एक ही डीजे, हमारे पास 3 दिन और है, हमें मौका जरूर मिलेगा। जरा अपने पीछे देखो, देखो वो पीछे ही खड़ा है। सिर्फ हम सब जाएंगे, किसी और को मत बुलाना। एयरपोर्ट पर शानदार विदाई देंगे। ओके ओके, भूलना मत कल 11:30 बजे फ्लाइट है। हेलो हाँ? जी मैं सिस्टर शारदा बोल रही हूँ। एक बुरी खबर है, अन्नपूर्णा नहीं रही। कौन? अन्नपूर्णा। हाँ मैं आती हूँ। अन्नपूर्णा नहीं रही। मुझे जाना होगा। अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी, डॉक्टर के पहुंचने के पहले ही वो मर चुकी थी। डॉक्टर ने उनके हस्बैंड को बता दिया है, होम टाउन से भी कुछ लोग आ रहे हैं। उनकी बॉडी को मॉर्चरी में अभी अभी शिफ्ट किया गया है। मैंने ही उनसे कहा था कि तुम्हें खबर कर दे, क्योंकि तुम बहुत जल्दी ही बाहर जाने वाली हो। तुम्हें उससे बहुत लगाव था, वो तुम्हें घर पे बुलाने की बात कर रही थी। मेरे जीने का अब कोई मतलब नहीं रहा, अब बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं भी चला जाऊंगा। दादाजी आप आराम करें, मैं फिर आऊंगी।
इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गई। हॉस्टल में फोन किया था, कल रात ड्यूटी के बाद हॉस्टल नहीं पहुंची। रीटा आखिर गई कहाँ? पेशेंट के रूम में ही थी, उसके बाद कहाँ गई किसी को नहीं पता। पता नहीं रीटा कहाँ चली गई, कहाँ चली गई होगी। उसने कहा तो था यही कहीं मिलने के लिए। एड्रेस बताना चाहिए था ना, सीधे वहीं पहुंच जाते हम लोग। उस पे भरोसा नहीं कर सकता, कहेगा काठमांडू जा रहा है और जाएगा कहीं और, समझा? तो फिर उसने हमें यहाँ क्यों बुलाया, तुम्हें पूछना चाहिए था ना उससे। देखो गोपाल, वो बहुत खतरनाक है, आसपास कोई गाड़ी तो नहीं खड़ी है, देखो जरा। गोविंद एक बात बता मुझे, तेरा दोस्त पागल है क्या? सही समझो, वो बहुत चालाक है। तो ऐसे आदमी से मिलने के लिए हम यहाँ क्यों आए? मैंने थोड़ी कुछ किया, उसी ने बुलाया। क्या वो यहाँ पर कार में आने वाला है? हाँ, वो देखो वहाँ पर एक कार खड़ी है। अरे हाँ, ये उसी की कार है, पहले क्यों नहीं बताया तूने? सॉरी, मैंने भी अभी भी देखी ना। जल्दी चल। अबे गधे, श्रीमान गोविंद। मैं कल रात यहाँ आया था, तुमसे नहीं मिल पाया, इसीलिए गाड़ी छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे आके कब्रिस्तान में मिलो। अरे बाप रे, उससे मिले कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। हाँ मैं समझ गया, वो पागल नहीं कवि है। तुम ही कैसे पता? हाँ, तभी तो तुम्हारी तारीफ की है ना, अबे गधे श्रीमान गोविंद। ये तारीफ नहीं है, पहला शब्द तेरे लिए था, दूसरा मेरे लिए। अरे यार, उसकी तारीफ तू अपने पास ही रख, चल अब। गोविंदा, Come along, my little children, come along. मेरे बच्चों, ये जीवन भी नाट्य मंच की तरह है। जब से मैंने यहाँ कदम रखा है, मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। Positive vibrations, उमंग तरंग, गोविंदा गोविंदा। बच्चों, कल रात मैं बहुत दिनों बाद एक अच्छी जगह पे चैन की नींद सोया, और ऐसा सुख और चैन मैंने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया। गोविंदा, आपकी ही वजह से मैं लिखता हूँ, गाता हूँ, मुस्कुराता हूँ, कल्पना करता हूँ, मजे करता हूँ। गोविंदा, वो मेरे ज्ञान की शक्ति है। और मैं, ये क्या पागलपन है श्री, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये क्या कर रहे हो? गोविंदा गोविंदा, बच्चों को हटा यहाँ से। चलो बच्चों, निकलो निकलो यहाँ से। अरे गोविंद, ये क्या मजाक है? मैं अभी साक्षात गोविंद बन गया हूँ। मुझसे ये बकवास मत कर, तुझे पता है कि मैं ही असली गोविंद हूँ। कहाँ था तू? तूने कहा था कल रात तक यहाँ पहुँच जाएगा। शांति शांति, जो हुआ ठीक हुआ, और जो आगे होगा वो भी ठीक होगा। ये कौन है? मेरा दोस्त गोपाल। हेलो हेलो, तुम्हारे पास ये जो मास्क है ना, बहुत सुंदर है। मास्क? ये दुनिया का मैजिकल मास्क है। क्या मतलब? इस दुनिया में सभी के दो चेहरे होते हैं, नकली चेहरा और असली चेहरा। नकली चेहरा, एकदम सही बात। दरअसल तुम दोनों को मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है ना, तो अब मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूं। जादू? 1.5 साल बाद हमारी मुलाकात हो रही है और इतने समय में तू जादूगर बन गया। ओके रुको, अब तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। अब देखना, कल रात को मैं इधर से ही गया था, वहां पर तारों से बंधा हुआ था, इसके लिए मैं उधर ही रुक गया था रात को, बहुत चैन से सोया रात भर, फिर सूर्य उदय के बाद निकल गया। मैं कुछ समझा नहीं। ये सब मेरे मैजिक से हुआ है। ऐसी डरावनी जगह पे तुझे नींद कैसे आई? सब कालदेव की कृपा है। सुन गोविंद, इससे पहले कि ये पूरी तरह पागल हो जाए, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, नहीं तो हम भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ठीक है वापस चल। Hey!
तुम कौन? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मैं कौन हूँ? कहाँ हूँ मैं? तुम एक लड़की हो और दूसरे के घर में आकर बेड पे बैठी हुई हो। पर मैं यहाँ कैसे आ गई? देखो ये तो मुझे नहीं पता। किसने मुझे यहाँ बुलाया है? ये तो अभी पता चल जाएगा। गोविंद ने बुलाया होगा। गोविंद, गोविंद। कौन है वो? मुझे तुम्हें सिर्फ ये समझाना है कि तुम्हें यहाँ गोविंद लेकर आया होगा। ए गोविंद! तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे देखने तो मैं कहाँ पर हूँ? ये कौन है? बताता हूँ, वो एक कथक डांसर है। मछली जैसी दो आंखें, मोर जैसे दो पैर, जस्ट लाइक अ हॉट गर्ल। छी, ऐसे मत कहो। बिना मेरे बारे में जाने मैं कौन हूँ तो मेरे बारे में कुछ भी बोले जा रहे हो? तो बताओ कौन हो, यहाँ कैसे? मैंने तुमसे कहा ना मुझे कुछ भी याद नहीं। प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दो, शायद मुझे भूलने की बीमारी है। अच्छा समझ गया, लाइफ में सब कुछ बर्बाद करने के बाद खुद को भूलने की बीमारी है। नहीं, मुझे नहीं पता मैं क्या ढूंढ रही हूँ। टडांग, हाँ तुम गॉड को ढूंढ रही हो ना। मेरा दोस्त है गोविंद, उसको बुलाता हूँ। हेलो, मैंने तुझसे किराए पे घर लेने के लिए कहा था, तूने किसी और को भी किराए पे दे रखा है क्या? नहीं तो क्या हुआ? नए घर पे हूँ, तू फौरन आ जा मेरे पास। नशा ज्यादा हो गया क्या तुझे? अरे नशे में नहीं हूँ मैं, नशे में नहीं हूँ, समझा तू? तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। बकवास मत कर, जल्दी आ जा यहाँ पर। तुम कौन हो? मैं पिछले महीने ही मर गया था, अब मेरी आत्मा घर ढूंढ रही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ मैं गॉड को ढूंढने आया हूँ। गॉड को ढूंढने? सुनो, ध्यान से सुनना, मेरा नाम श्री कुमार है। कुछ याद आया? नहीं कुछ नहीं। ओके, मेरा दोस्त अभी आएगा और आपको यहाँ से ले जाएगा। ऐसा मत करो प्लीज, मेरे पास कोई जगह नहीं है। फिक्र मत करो, मेरा दोस्त तुम्हारा इंतजाम कर देगा। मैं यहां से नहीं जाऊंगी। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है मेरे दोस्त, यहां कोई और भी है, उसे भूलने की बीमारी है। अंदर जाके देखो। कौन है? एक लड़की। लड़की यहां पर? मुझे भी देखनी है, सुंदर है। हाँ, कहाँ है? अभी अभी यहीं थी, मुझसे बात कर रही थी, देखो अंदर ही होगी। आजा। यहाँ तो कोई नहीं है। तुमने तो कहा अंदर लड़की है। नीचे छिपी है लड़की। तुम यहां छुपकर क्यों बैठी हो? बाहर आ जाओ। ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे बाहर आओ ना। डांट पड़ेगी तभी बाहर आएगी। कोई बात नहीं, आ जाएगी। ये दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब तुम्हें जो भी जैसे भी प्रॉब्लम हो इन्हें बता दो। देखो एक बात अच्छी तरह समझ लो, जो भी सच है साफ साफ बता दो, वरना तुम्हें यहां से ले जाएंगे। इसे मजाक मत समझना।
पहले उनसे कहो कि ये पता लगाए कि मैं कौन हूँ, उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगी। सुना तुम लोगों ने? तुम लोगों ने सुना? क्या सुना? जो उसने कहा। मगर कहा क्या? इस लड़की को तुम दोनों की मदद नहीं चाहिए। तू पागल हो गया है? ये तू किसके बारे में कह रहा है? इसके बारे में? लेकिन वहां तो कोई भी नहीं है। क्या तुम दोनों अंधे हो गए हो? सामने तो बैठी है। नहीं है। मैं तो यहां से निकलता हूं, नहीं तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। कहां जा रहा है? ये कहानी बनाकर हमें बेवकूफ बना रहा है। ये यहां से भाग जाना चाहता है, जैसे इसने पहले भी कई बार किया, लेकिन इस बार ये कामयाब नहीं होने वाला। चुपचाप बैठ जा, मुझे तुझसे बात करनी है। क्यों नहीं बैठू? वहां वो बैठी हुई है। ठीक है ठीक है, मैं वहां नहीं बैठता, लेकिन तू मुझे ये समझा कि तू इतनी बकवास कर क्यों रहा है मेरे साथ। जब गोविंद वहां पर बैठा तो उस लड़की को क्या हुआ ये तो बताओ मुझे। लड़की यहाँ है वहां है बोलते जा रहे हो। अरे वो उसके शरीर से आर पार हो गई। हाँ? और अब देखो वहां खड़ी। ये सच कह रहा है क्या? अरे मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कौन है अंदर। इसका मतलब ये है कि मैं एक आत्मा हूँ जिसे सिर्फ तुम देख सकते हो। सुन, ए! तुम्हारे अलावा कोई और मुझे क्यों नहीं देख पा रहा है? नो 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 गोविंद, मुझे तो लगता है इस घर में कोई बुरी आत्मा है। अरे तू चुप कर। श्री, तू चल मेरे साथ, चल चल, तू चल, मैं कह रहा हूं तू चल, दरवाजा बंद कर, चल चल। श्री तू मेरी एक बात मान ले, समझ ले कि ये कमरा है ही नहीं। आज रात तेरे साथ यहीं रुकूंगा, फिर देखता हूं तू क्या कहानी बनाता है, चल। तू किसी साइकाट्रिस्ट को जानता है क्या? हाँ, मेरा एक दोस्त है, मुझे मिलना है उससे। क्यों? सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रही है, मुझे ही सुनाई दे रही है, और किसी को क्यों नहीं? मैं इसके बारे में साइकाट्रिस्ट से पूछना चाहता हूँ मेरे दोस्त। पागल हो गया है? नहीं, मैं पागल नहीं हूं, मुझे बस सच जानना है, शायद कोई आत्मा है ये। गोपाल सही कह रहा था, तूने कोई भूत देख लिया होगा। तू बात को समझ नहीं रहा है, ये मामला कुछ और ही है, ये जरूर कोई ना कोई माया जाल है दोस्त, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि कोई लड़की इस तरह मुझे दिखे और तुझे नहीं। इंसान का शरीर मल्टीपल पर्सनैलिटी से बना हुआ होता है, और इसीलिए किसी कारणवश अगर इंसान की मौत हो जाए तो भी उसकी आत्मा इस दुनिया में इधर उधर भटकती रहती है, और कभी कभी किसी को दिखती भी है। मेरा मतलब, जो इंसान मर चुका है उसकी जैसी पर्सनैलिटी वाला कोई और इंसान उस आत्मा को देख भी सकता है और सुन भी सकता है। इनके केस में जो लेडी मर चुकी है उसकी आत्मा बार बार इनको इसलिए दिख रही है क्योंकि इनकी भी मल्टीपल पर्सनैलिटी है, क्योंकि इनकी और उस लेडी की पर्सनैलिटी मल्टीपल पर्सनैलिटी है, इसलिए ये उसे देख सुन पा रहे हैं। इस बात को अगर मैं और डिटेल में समझाऊं तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। तुम यहाँ कैसे? क्या कहा तुमने? ये तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, ये झूठ बोल रहा है। सुना आपने? वो यहाँ पीछे बैठी। वहाँ बैठी है, देखो मुझसे बात कर रही है। वो कह रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं। सच तो कहा है? ए, ये साइकेट्रिस्ट है, इन्हें सब पता है। एक दिन देखना तो इन्हीं से मदद मांगेगी। कभी नहीं। किसी बात से डरते हैं आप? नहीं सर। ठीक है, डरिए मत, जान का कोई खतरा नहीं है आपको। वो एक लड़की है और आपसे दोस्ती करना चाहती है बस। देखो मैं तुम्हें अपना कार्ड दे रहा हूँ, तुम किसी भी समय मुझसे मिलने आ सकते हो। डॉक्टर, ये कोई नुकसान तो नहीं करेगी ना? मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, वो आत्मा तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है। जहां तक मैं समझता हूँ, वो आत्मा तुम्हें कभी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं।
मुझे तुम्हारे केस को अभी और स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। इसके लिए मुझे समय चाहिए। थैंक यू डॉक्टर। चल भाई। हाँ, इनको अभी यहीं रहने दो, तुम जा सकते हो। ओके ठीक है, तू जा, मैं आता हूँ। ओके डॉक्टर। ओके बाय बाय। एक बात बताइए, इनकी फैमिली हिस्ट्री क्या है? वो एक अमीर परिवार से है और पढ़ाई में भी बहुत ही अच्छा था। एमएससी फिजिक्स में रैंक होल्डर था। ओ। मैंने उससे कितनी बार कहा कि कुछ क्रिएटिव काम करो, पर मेरी बात सुनता ही नहीं। वो सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। कल ही यहाँ आया है और एक सुनसान सी जगह पे मकान किराए पे लिया है, मैंने ही दिलवाया है। कल से ही वो परेशान है। उसकी फैमिली में किसी को ऐसी प्रॉब्लम है? नहीं नहीं सर, जहाँ तक मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है? कल्पना को सच में देखना और उसे सच मान लेना, ऐसा होता रहता है। ऐसे कई केस देखे हैं मैंने। इंसान जो है भ्रम की स्थिति में पहुंच जाता है और उसे लगता है वो जो कुछ देख रहा है वही सच है। वो कल्पना को ही सच मानने लगता है। अभी इतना ही कह सकता हूँ, बाकी का बाद में। श्री मैं यहाँ हूँ। ये सब क्या है? क्या बेहुदा हरकत है? मैं गाड़ी चला रहा था तुम अचानक से बीच में बोल पड़ी, एक्सीडेंट हो सकता था, पता है तुम्हें? श्री मैं और क्या करती? और परेशान मत करो, अब बताओ क्या कहना है तुम्हें? अगर मुझे कोई सुन सकता है, अगर मुझे कोई देख सकता है, वो सिर्फ तुम हो श्री कुमार। और इसी श्री के जरिए मैं जानना चाहती हूँ मैं कौन हूँ, और इसमें तुम मेरी मदद करोगी ना श्री? मुझे कुछ चेक करना है। क्या हुआ? यू आर रीटा मैथ्यूज। मैं जान गया हूं तुम मेडिकल स्टूडेंट रीटा मैथ्यूज हो और तुम पिछले 4 महीने से गायब, और ये मैं अच्छी तरह समझ गया हूं, कॉलेज स्टूडेंट्स तुम्हारे लिए ही स्ट्राइक कर रहे हैं। तुमने कैसे जाना कि मैं रीटा हूं? इसका जवाब मेरे हाथ में है, ये देखो। ये तो मैं ही हूं। इसका मतलब अकेले तुम ही मुझे देख पा रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है श्री? तुम इसके बारे में पता लगा सकते हो? पता करूंगा। रीटा मैथ्यूज, हॉस्टल वार्डन से पुलिस की पूछताछ जारी है। रीटा केस पुलिस के लिए अभी भी एक पहेली बना हुआ है। मुंबई बांद्रा में एक सड़ी हुई लाश मिली है। पुलिस की पूरी कोशिश है कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। रीटा केस में किसी जैकब शख्स की गिरफ्तारी हुई है। जानती हो उसे? याद नहीं। डेविड जैकब? कुछ याद नहीं। ये तुम्हें दिख तो रहा है ना? हाँ दिख रहा है, पर किसी को पहचान नहीं पा रही हूं। ये तो पता करना ही पड़ेगा। हॉस्पिटल जाएंगे तो शायद कुछ पता चल सकता है हमें, इसलिए हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। शायद कुछ और मिल जाए तो फिर चलें। ठीक है चलो। हेलो
ऐसा क्यों है? मैं अपनी ड्रेस छू सकती हूँ, तुम्हें छू सकती हूँ श्री, पर ये पेपर क्यों नहीं उठा पा रही हूँ? देखो सब ठीक हो जाएगा, तुम ऐसे घबराओ मत, बस तुम थोड़ा अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। तुमने ठीक कहा, डॉक्टर ने कहा था इस तरह के ख्याल बस काल्पनिक होते हैं, हम जो कल्पना करते हैं वही हमें दिखाई देने लगता है। कम ऑन। श्री ये कौन सा हॉस्पिटल है? कौन सा हॉस्पिटल? इसी हॉस्पिटल में तुम प्रैक्टिस करती थी। है? क्या कहा? क्या कुछ कहा मुझसे? नहीं नहीं तुमसे कुछ नहीं कहा। हाँ? अजीब है। अरे बहुत देर से बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ये सिस्टर को जानती हो तुम? डॉक्टर की तरह वो चलने वाले हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। चलो अंदर चल के पता करते हैं। आओ। सिस्टर। सिस्टर यहाँ पर काम करने वाली रीटा मैथ्यूज को जानती हैं आप? अच्छी तरह। क्या हुआ? रीटा मैथ्यूज को सिस्टर जानती है, पर शायद रीटा मैथ्यूज को सिस्टर याद नहीं है। ये जो सिस्टर है ना, ये शायद जानती है तुम। ये जो आ रहे हैं इन डॉक्टर्स को जानती हो तुम? नहीं, इनमें से मैं किसी को भी नहीं जानती। अरे तुम किसी को नहीं जानती हो, ऐसा कैसे हो सकता है? श्री यहाँ आने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। श्री, कुछ फायदा please. नहीं हुआ। लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये हॉस्पिटल अच्छा नहीं है। चलो यहाँ से वापस चलते हैं। सॉरी रीटा, वेरी सॉरी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली। आई एम रियली हेल्पलेस। ऐसा मत कहो श्री। अब मैं और क्या कर सकता हूँ? आजकल न्यूज़पेपर्स में मेरी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ लिखा जा रहा है ना श्री। लगता है रीटा को रीटा की ही कहानी सुनानी होगी। 7 साल की उम्र में मम्मी और पापा अलग हो गए। रीटा अपनी माँ के साथ 14 साल तक रही। इसी बीच उसकी माँ दूसरे आदमी के साथ रहने लगी। जब माँ के साथ एडजस्ट नहीं कर पाई तो रीटा अपने पापा के पास चली गई। वहाँ पर भी वही हाल था। इन सब से तंग आकर 16 साल की उम्र में रीटा ने अकेले रहना शुरू किया। उसकी जिंदगी संघर्ष से भरी थी, रात में काम करना, दिन में पढ़ाई करना। अब उसके लिए उसका जीवन एक मिशन बन गया था। मेडिकल एंट्रेंस देके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। टीचर्स की नजरों में वो एक ब्राइट स्टूडेंट थी। फर्स्ट ईयर की पढ़ाई के दौरान डेविड जैकब, जो फोर्थ ईयर का स्टूडेंट था, उसने रैगिंग का झांसा देकर रीटा के साथ रेप करने की कोशिश की। फिर शुरू हुआ जैकब को पनिशमेंट दिलाने का संघर्ष। स्टूडेंट्स के दबाव के चलते मैनेजमेंट ने जैकब को रेस्टिकेट कर दिया। इस केस की वजह से कॉलेज की बदनामी हुई। मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स के बीच में तनाव बढ़ गया था। रीटा के लिए बहुत मुश्किल वक्त था। यही वो समय था जब रीटा को हायर स्टडीज के लिए अमेरिका जाना था, मगर एक दिन पहले गायब हो गई। अब कुछ याद आया तुम्हें? नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं ऐसा मत करो, यू हैव टू थिंक। रीटा क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं आ रहा है? मैंने तुम्हें इतना सब कुछ बताया, इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है? थोड़ी तो कोशिश करो। मैं जानता हूं तुम कर सकती हो, बस कोशिश करो। ये उस समय की बात है जब मैं गर्ल्स हॉस्टल में रहा करती थी। जब मैं पहली बार हॉस्टल गई थी, वार्डन पौधों को पानी दे रही थी। हाँ, बताओ मुझे क्या हुआ था वहां पर? ये लेडीज हॉस्टल है, यहां कहां घुसे जा रहे हो? बाल खोल के मत दिखाओ। मैं समझ गई, मैं तो मजाक कर रही थी। आओ आओ,
देखने में तो बहुत स्ट्रिक्ट लगती थी, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी थी। वार्डन मुझे बहुत पसंद करती थी और इसी वजह से वो हॉस्टल का किराया भी कम लेती थी। दूसरों से छिपाकर वार्डन अक्सर ही मुझे फ्रूट्स और स्वीट्स दिया करती थी। फिर आगे मुझे कुछ और याद नहीं आ रहा है। कोशिश तो करो प्लीज। इस वक्त मुझसे और कुछ मत पूछो। सबसे पहले तो ये जानना होगा इसे जो याद आ रहा है वो सच है या झूठ। अगर सीधे हॉस्टल लेकर गया तो क्या पता वहां जाकर कह दे कि वार्डन को जानती ही नहीं। ये भी तो पता करना पड़ेगा कि हॉस्टल कौन सा था। इस काम के लिए मुझे लगता है गोविंद और गोपाल को भेजना होगा। सच पता चलने तक मुझे सब्र करना होगा। वार्डन कहाँ है? वार्डन? यस। सुनिए मैडम, कुछ बात करने थी। रीटा जब आपसे मिलने आई थी, आप पौधों को पानी दे रही थी ना? पीले लड्डू, जलेबी, बर्फी, ऑरेंज। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। सक्सेस। हेलो। सुन श्री, लगता है अपना काम बन गया। सच कह रहे हो? पुलिस यहाँ आई है, लगता है अपने गोपाल को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। अब जब पुलिस आ गई है सारा सच सामने आ जाएगा। सच में? अच्छा सुन, अभी फोन रखता हूँ, घर पे आके बात करते हैं। अरे गोविंद मुझे बचाओ। अरे बचा लो मुझे। अरे गोविंद मुझे बचाओ। अरे गोविंद, गोविंद मुझे बचाओ। गोविंद, गोविंद, गोविंद मुझे बचाओ। अरे मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ गोविंद। अपने मन को कॉन्सेंट्रेट करके छुओ। तू यहां ताली बजा रहा है और वहां क्या हुआ? गोपाल को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला? घंटा मेरी जगह पे वो फंस गया, अब मैं जाऊं उसे छुड़ाने? है? अरे उसी का फोन होगा। हेलो। हेलो गोविंद, तू सुन रहा है ना? तेरे पागल दोस्त श्री कुमार की वजह से मेरी यहाँ पर पिटाई हो रही है। वार्डन से मैंने पूछा था, रीटा ने जो कहा था वो सच था। पुलिस वालों ने मुझे घेरा हुआ है और मुझसे पूछ रहे हैं कि रीटा कहाँ है, रीटा कहाँ है। हाथ जोड़ता हूँ, जल्दी आ जा भाई, वरना मेरे फोटो पे तू माला चढ़ाएगा। घबरा मत, आता हूँ। फंस गया गोपाल, तेरी वजह से सारी प्रॉब्लम हुई है। अब तू ही कोई रास्ता बता कि गोपाल को कैसे छुड़ा के लाए। अब नाटक नहीं चलेगा, देख इससे पहले कि पुलिस उसे और परेशान करे उसे छुड़ाना ही होगा। अब रीटा अपने सच को जान के रहेगी। सर जी, मेरा दोस्त आ रहा है। हाँ, आओ आओ। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। मुझे तो ये किसी एंगल से पागल नहीं लग रहा है। अरे सर आप समझे ना, ये पागल नहीं, इसका दोस्त पागल है। अच्छा, तो उस पागल को यहाँ लाने में कोई परेशानी है क्या? परेशानी आपको यहाँ किस लिए चाहिए? क्या तू बता ना। नहीं नहीं, लाने में कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या है कि वो एक नारियल के पेड़ में चढ़ गया और चिल्ला रहा है कूद जाऊंगा कूद जाऊंगा। कौन से नारियल पेड़ पर गोविंद? नारियल का पेड़, हमारे बगल वाला। ओ, कौन से बगल वाला?
आप मेरी बात समझ गए ना? हाँ मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि उस पागल को ये बात कैसे पता चली जो बात रीटा और वार्डन को पता है। अरे सर आप तो नाराज हो गए, ऐसा कुछ है ही नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। हो सकता है वार्डन इससे किसी बात पे नाराज हो गई हो, उसने आपको फोन कर दिया और आप इसको यहाँ उठा लाए। दोबारा ऐसा नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। प्लीज मैं तुम्हारे पर विश्वास कैसे कर लूं? एक बार विश्वास तो करिए सर। मुंह बंद रखो अपना, तुम बोलो। आप भरोसा करके तो देखिए। ठीक है, इस रीटा केस की मैं नंद कुमार जांच कर रहा हूँ। तुम्हारी बात मान के मैं इसे अभी छोड़ रहा हूँ, लेकिन जब वो पागल नारियल के पेड़ से नीचे उतर आए तो उसे यहाँ लेके आना। नारियल का पेड़? अभी तो तुमने मुझसे कहा था। जाओ जाओ जाओ, अभी चल जल्दी। तूने बताया नहीं गोविंद, श्री कौन से पेड़ पे चढ़ा हुआ है? तुझे पेड़ की पड़ी हुई है, उसकी पागलपन के चलते हमारी ये हालत हुई है और तू पूछ रहा है पेड़ कौन सा है? अगर मैं तेरे किसी काम का नहीं हूं तो मुझे यहीं छोड़ दे और चला जा तू यहां से। डेविड जैकब के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, पुलिस के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से हमें आगे बढ़ना होगा, तभी बात बनेगी। कोई रास्ता तो हमें ढूंढना ही होगा। तू ही ढूंढ रास्ता, तेरी वजह से इतना झमेला खड़ा हुआ है, बड़ी मुश्किल से जान छूटी है। अब तुझे जो करना है कर ले, मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना। मैंने तुम्हारे घर में फोन करके सब कुछ बता दिया है, तुझे डॉक्टर से भी मिलवाया, भूल गया? मुझे यकीन है कि तुझे जरूर कोई बीमारी है, डॉक्टर सही कह रहा था। तो तुम्हें लगता है मुझे कोई बीमारी है? बोलो, अगर ये कोई बीमारी है तो इस बीमारी से मुझे मजा आ रहा है। अगर ये पागलपन भी है तो मैं ये पागलपन एंजॉय कर रहा हूं। ये मानसिक बीमारी सिर्फ मेरी है, इसके लिए मैंने काउंसलिंग भी ली, साइकोथेरेपी भी ली, ताकि जल्दी से जल्दी ठीक हो सकूं। बस बहुत हो गया, इस बीमारी से मैं अपने आप को जानने लगा हूं, समझने लगा हूं। श्री कुमार तू छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाओ तुम। मुझे पता है एक दिन आएगा जब तुम यकीन करोगे। बिल्कुल नहीं, मैं तुझ पे क्यों विश्वास करूं? और ये सारी बातें तुम्हारे डॉक्टर को पता होनी चाहिए, तुझे भी, मुझे भी, सबको पता होनी चाहिए। इस प्रॉब्लम में तुझे ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतनी छोटी सी बात तू समझ क्यों नहीं रहा है? मैं थक गया हूं तुझे समझाकर, पर तेरी ये बीमारी मैं दूर करके ही रहूंगा, वरना मैं तेरा दोस्त नहीं। 5 मिनट में डॉक्टर के पास चल, अगर नहीं चलेगा तो आज से तू मेरा दोस्त नहीं। चले जाओ श्री, एक अनजान लड़की की वजह से अपने दोस्त को नाराज क्यों कर रहे हो? आगे जो भी होगा हम दोनों साथ साथ मिलके उसका सामना करेंगे। जैसे एक धागे के साथ हम दोनों को बांध दिया गया है, शायद यही हमारी किस्मत है। किस्मत में क्या लिखा है ये कौन जानता है? अबे शोर मत करो, चुपचाप बैठे रहो। एक कप चाय लाओ ना। अब चाय चाहिए? लगता है चाय उड़ के आके इसके मुंह में लग जाएगी, यही तुम्हारी बीमारी है। चुपचाप बैठे रहो। कोई और मुझे नहीं बता सकता कि मैं क्या हूं। मैं जो कुछ भी करता हूं सब मेरे खिलाफ हो जाते हैं। तुम भी, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, स्कूल में साथ पढ़े हो, क्लास टीचर्स मेरे बारे में क्या बोलते थे पता है ना? मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, पर क्या हुआ? कॉलेज में मुझे मेरे हर अचीवमेंट के लिए कितना प्यार मिला, कितना सम्मान मिला। तू तो हर टाइम मेरे साथ रहा है, पता है ना क्या हुआ? सब कुछ एक सपने जैसा था शायद, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, साइंस, लिटरेचर, सब पढ़ा पर कहीं पहुंचा नहीं। मैं जिसे सच मानता हूं वो है मेरा आत्मविश्वास। लेकिन एक बात मैं तुझे साफ साफ बता रहा हूं, तू मुझ पे विश्वास नहीं कर रहा है, अविश्वास कर रहा है मुझ पर। विश्वास करना सीख मेरे दोस्त, प्यार करना दिल से।
मैं रेडी होके आता हूं। गोविंद कहाँ चला गया? ये ए गोविंद, गोविंद सुन। अचानक गोविंद ऐसे क्यों चला गया? मैंने उसे गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, वो नाराज होके चला गया। अब उसके घर जाके सॉरी बोलना होगा। हेलो हेलो अरे ए गोविंद, अरे रुको, शिट, अरे इसे क्या हो गया है? समझ गए? हाँ? एक कॉपर प्लेट। इस पेशेंट के बाद आओ। अब अर्जेंट है। पेशेंट है, अभी वेट करो। ठीक हो तुम? चाय पियोगे क्या? एकदम कड़क चाय है। नहीं चाहिए। तुम कौन हो? गोविंद हूँ। तुम मुझे देख पा रहे हो ना? ऐसा क्यों पूछ रही हो? तुम तो मेरी बात भी सुन पा रहे हो। एक मिनट, छू के देखो ना एक बार। तुमने तो मुझे छू लिया। प्रॉब्लम क्या है? बताती हूँ, मुझे कोई देख भी नहीं पा रहा और सुन भी नहीं पा रहा है, पता है? हाँ? ये हर जगह चल के आ रहा है। हाँ? क्या आपका नाम रीटा है? अगर मुझे फोन करना तो रीटा कहना, वरना मेरा नाम माया है। माया का हाँ? मतलब होता है नाम है मेरा। तुम्हें बुला रहे हैं डॉक्टर। सुनो रुको ना, चलता हूँ। अरे आ जाओ बैठो। अब बोलो, अब क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले मेरी जांच कीजिए, मैं ठीक हूँ या नहीं। ऐसे क्यों बोल रहे हो? एक कप और प्लेट उड़ती हुई आती है, श्री आराम से उस चाय को पीता है और फिर कप उड़ता हुआ चला जाता है। इसका मतलब क्या है डॉक्टर? आप पहले मेरी जांच कीजिए सर। डॉक्टर! ओह, ये सचमुच है या मेरा भ्रम है? गोविंद मुझे देख सकता है डॉक्टर। वेरी गुड। हाँ? बाहर बैठो, इनके बाद बुलाता हूँ। अच्छा। कौन है ये? ये मेरी एक पेशेंट है। पेशेंट है? हाँ, ये तुम्हारे श्री कुमार जैसा ही केस है। इसे भी ऐसा लगता है कि कोई उसे देख नहीं सकता। मैं आपका मतलब नहीं समझा। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे बारे में बात करते हैं। तुम जैसा कह रहे हो कि तुमने कप प्लेट को हवा में उड़ते हुए देखा, अगर ये सच है तो अच्छा है। अच्छा है? हाँ, अब मुझे वाकई इस केस में दिलचस्पी हो रही है। अगर इस तरह का केस एक साइकेट्रिस्ट के पास आता है तो ये उसके लिए बहुत अच्छी बात है। अब मुझे इस केस की गहराई में जाने की जरूरत है। अगर उसको इस तरह की बीमारियां हैं तो एक बात बताइए, क्या मुझे भी ऐसी बीमारी हो सकती है? ये फैलने वाली बीमारी नहीं है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम श्री कुमार को यहाँ ले आओ, अभी तुम जाओ। सुनो गोविंद। जा रहे हो क्या? क्या हुआ? आओ ना मेरे साथ। मुझे छोड़ो। ऐसे कैसे जाने दूंगी? मुझसे शादी करनी है ना तुम्हें? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना? 10 मिनट दे दो, मैं तैयार होके आता हूँ। अरे अरे अरे, तैयार होने की क्या जरूरत है? मुझे क्या हुआ? मुझे बताओ ना। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे मैं इधर हूँ। अरे वो सुंदर लड़की कहाँ चली गई? इधर हूँ, इधर। मुझे मुझे कुछ गोविंद सुनो।
चाय क्यों रहा गोविंद? तुझे कितनी बार कहा है मुझे चाय से डर लगता है, मेरे सामने लाने की क्या जरूरत थी? चाय ही तो है गोविंद। चाय मांगी थी क्या मैंने? चाय बनाई थी, तुझे नहीं चाहिए तो ले जाता हूँ वापस। ले जा। ठीक अच्छा है। अच्छा दे। ले लो। क्या हुआ? गरम है। गरम है क्या? चल निकल, मैं ही पी लेता हूँ। इतना सब देखने के बाद भी तू श्री के साथ जा रहा है? देख गोपाल, उसकी माँ घर बुला रही है, कुछ पूजा पाठ कराने के चक्कर में है। उस दिन डॉक्टर के पास गया था ना मैं, उसी दिन वो चीज देखी थी। क्या देखा था? उड़ता कप प्लेट। ओह, अब क्या करूं मैं? सुन गोविंद, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ। सबसे पहले तू उसके घर जा और किसी तरह उसको नींद की गोलियां खिला दे, और जब वो होश में नहीं रहेगा तब उसको तांत्रिक के पास लेकर जाएंगे हम। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, हम लोग तांत्रिक से बात करते हैं, लेकिन ये सब उसे पता नहीं चलना चाहिए। चल मेरे साथ, मैं एक बहुत अच्छे तांत्रिक। अरे कहाँ छिपे? ये क्या? मुंह क्यों खोला है? नींद की गोलियां? तुझे कैसे पता? रीटा यहाँ थी, उसी ने बताया। अरे फिर वही रीटा? मैं सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। कप प्लेट को देख के डर क्यों गया है? गोविंद, जब वो लड़की यहाँ आई थी, वो तेरे अंदर की सारी बातें जान गई है। सब देख लिया। हाँ। कपड़े बदलना भी। तो क्या हो गया? This is cheating, this is cheating। तुम दोनों को आखिर क्या हो गया है? मेरे साथ कोई बुरी आत्मा नहीं है और ना ही मुझे कोई मानसिक बीमारी है। फिर तुम ऐसी बातें करते क्यों हो? क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी अपराधी हैं जो अपराध करने के बाद भी बिना सजा पाए इस दुनिया में आराम से आजाद घूम रहे हैं। उन अपराधियों को सजा दिलाना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। आज मैं वादा करता हूं तुमसे, अब वो किसी भी हाल में नहीं बचेंगे। मेरी कोशिश है कि मैं असली रीटा को ढूंढ निकालूं, क्योंकि उस बेचारी को मेरी मदद की जरूरत है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है दोस्तों, या तो मैं सांप को उसके बिल में ढूंढूं, या फिर मैं सांप को मजबूर करूं कि सांप खुद ही मुझको ढूंढता हुआ मुझ तक पहुंच जाए। और इस काम को करने के लिए पेपर में मुझे रीटा के बारे में कुछ लिखना होगा, और कोई चारा नहीं है मेरे पास। लेकिन इसके लिए मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। हम तेरी क्या मदद कर सकते हैं? अभी कुछ नहीं कह सकता मैं, वक्त आने पे बताऊंगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तेरी कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होती। मैं हमेशा तेरे साथ हूं, जब भी जैसे भी तुझे मेरी जरूरत हो कह देना। थैंक यू। अगर ऐसी बात है तो मैं भी साथ हूं। मेरी सबसे पहली जरूरत यह है कि तुम दोनों सबसे पहले उससे दोस्ती करो जो मेरे साथ है। रीटा को तुम दोनों की दोस्ती का इंतजार है। कम ऑन, आओ, कम ऑन। जा जा जा। हेलो रीटा। उधर। ओ। हेलो रीटा। रीटा तुम क्या है? क्या वो तुम्हें दिख रही है? नहीं। तो तुम किससे बात कर रहे हो? कॉन्सेंट्रेशन। रीटा मैं तुमसे। हाँ, मैंने भी देखा। हाँ, 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 तेरी तरह मैंने भी कॉन्सेंट्रेट किया। तो बताओ उसकी ड्रेस कैसी है? हरी साड़ी और लाल ब्लाउज। क्या सच में? सच में, देखो उस तरफ मुड़ गई। हेलो रीटा। रीटा मेरे तरफ देख रही है? मेरी तरफ देख रही है? नहीं, मेरे तरफ। रीटा मेरी तरफ मुड़ गई है। तुम्हारी तरफ मुड़ी थी पर मेरी तरफ देख रही थी। सच में? वो मेरी तरफ ही देख रही है। अब तू ही बता सच क्या है। रीटा वा नहीं है, वो यहाँ मेरे पास है। This is cheating, this is cheating, this is not fair। नहीं दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ, वो यहाँ मेरे पास है, देखो। कहाँ है? यहीं पर तो है। तेरे हाथ के नीचे। हंस मत, उसे यहाँ भेज। जा। भेज दिया? हाँ। रीटा, मैं तुम्हें देख तो नहीं पा रहा पर तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। रीटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, भले ही मैंने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी कभी। चलो अब दोस्ती हो गई। वो पागल श्री कुमार अखबार में भी लिखने लगा है। रीटा और वार्डन के संबंधों के बारे में भी उसने लिखा है। पहली लाइन ही लिखी है, रीटा मैथ्यूज कहाँ है? हॉस्टल की वार्डन उसे अपनी बेटी जैसी मानती थी। और जानते हो आखिर में क्या लिखा है? ये सब जानकारियां पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई है जो हमने अखबार में लिखी है। हेलो बेबी सर, अखबार देखा आपने? देखा,
पता करो किसने लिखा है। मैंने पूछताछ की थी पर पता नहीं चला। तो पता करो बेवकूफ। ये सब क्या है, कोई मुझे बताएगा? ये सब पेपर में मेरे बारे में कौन लिख रहा है? इसके पीछे जो भी है हमें ढूंढना होगा। अब तुम सबको जो भी करना है जल्दी करो, उसे ढूंढ कर मेरे सामने लाओ। नमस्ते। अखबार में जो तुम लिख रहे हो वो सच है या झूठ मुझे नहीं पता, अब वहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है, तुम घर चले आओ। मैंने अभी अभी अखबार में नौकरी ज्वाइन की है माँ, अखबार में लिखना ही तो काम है मेरा। सॉरी माँ, अभी नहीं आ पाऊंगा। बिल्कुल नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। जरा गोविंद को फोन देना। हेलो गोविंद, वहाँ पर सब कुछ ठीक है ना? माँ तुम फिकर मत करो, यहाँ सब ठीक है। कैसे फिकर ना करूँ बता, अभी श्री क्या कह रहा था? अरे वो तो मजाक कर रहा था। मजाक था? देख मुझे कुछ नहीं सुनना, तू उसे लेके जल्दी घर आ जा। माँ तुम्हारी फिक्र कर रही थी। ए, कोई बात नहीं, उनके पास प्यार से जाकर बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैं आ गया। तुम्हारा धन्यवाद जो करना था मुझे, इसलिए मुझे आना ही था, क्योंकि तुम तो आए ही नहीं। ये वही पागल है ना जो नारियल के पेड़ पे चढ़ गया था, राइट? अब तुम मेरे सवालों का जवाब दो। तुम अनाप शनाप पुलिस के बारे में क्यों लिख रहे हो? आज मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान के ही रहूंगा। हैं? और रीटा के बारे में भी ये जानना है कि तुम उसके बारे में इतना कैसे जानते हो? रीटा ने बताया था। ओके, अब बताओ रीटा कहाँ है? पुलिस वालों के साथ तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। रीटा को पुलिस वालों ने हिरासत में रखा, उसे टॉर्चर किया, ये सब तो तुमने अखबार में लिखा ही है ना? इन सब बातों के लिए मैं तुम्हें अरेस्ट भी कर सकता हूँ, समझे कि नहीं? गिरफ्तार करेंगे, अब हम जेल जाएंगे। इसे किसी डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को मैंने दिखाया था। क्या कर रहे हो सर? ये मेरा साइन है। सुनो, तुम्हारा ये दोस्त पागल हो गया है, पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ भी लिख रहा है। इसको हथकड़ी लगवा के इलेक्ट्रिक शॉक लगवाओ, तब ये ठीक होगा। इलेक्ट्रिक शॉक और हथकड़ी लगाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। तू चुप कर वरना तुझे भी। मैं कुछ जानता हूँ और वो आपके बारे में है। समझ रहे ना? आपने सबसे छिपकर ऑपरेशन करवाया है, उस ऑपरेशन के बारे में मुझे पता है। चुप रह। ये सब कैसे जानते हो? डॉक्टर रीटा मैथ्यूज ने बताई मुझे ये सारी बातें। रीटा मैथ्यूज? रीटा रीटा रीटा, बस एक ही नाम रटता है। इसे पहले किस डॉक्टर को दिखाया था? उस डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। तुम्हारी इन हरकतों से मुझे लगता है मैं भी पागल हो जाऊंगा। सुनो वो वाली बात न्यूज़पेपर में मत लिखना। कौन सी बात? प्लीज। ओके। बिना इलाज के घूमना फिरना और अखबारों में लिखना, आप कह रहे हैं कोई दिक्कत ही नहीं है? आप मुझे एक मानसिक रोगी का सर्टिफिकेट दे दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। देखिए ये मेडिकल एथिक्स के खिलाफ होगा, इसलिए मैं सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। देखिए उसे मेरे कुछ सीक्रेट पता चल गए हैं जो किसी को भी नहीं पता, मदद कीजिए। केस कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ है, अगर मैं डिटेल में कहूं तो शायद आप समझ पाएंगे कि वो एक मानसिक रोगी है। हालांकि इस तरह के केसेस के मामले में मेडिकल साइंस भी अभी तक कोई जवाब नहीं ढूंढ पाई है। इसका मतलब? मेरा मतलब है इस तरह के केसेस के बारे में काफी कुछ स्टडी किया है मैंने। एक वाकया सुनिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सेना के कैप्टन की कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। एक रात कैप्टन कैंप में आराम कर रहा था, तभी एक सिपाही ने आकर खबर दी, 2 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन ने अपना खेमा लगाया हुआ है। कैप्टन ने फौरन अपने अधिकारियों को खबर की, लेकिन वो अकेला ही निकल पड़ा। वहां पहुंचने पर देखा दुश्मन आगे बढ़ रहा है। उस सिपाही ने जो खबर दी थी वो बिल्कुल सही थी। सेना की मदद से कैप्टन दुश्मन को हराने में तो कामयाब रहा, लेकिन जब वो वापस आया तो उसने देखा कि वही सिपाही जिसने दुश्मनों के बारे में खबर दी थी वही घायल पड़ा हुआ है। वो 2-3 दिन पहले ही घायल हुआ था और अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। वो जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था और कुछ ही समय में उसकी मौत हो गई।
मतलब उसी सिपाही ने दुश्मन की खबर दी। आपका मतलब है उस मरने वाले सिपाही ने खबर दी थी? हाँ। अगर श्री कुमार उसी तरह का केस है तो मेरा डिपार्टमेंट मुश्किल में पड़ जाएगा। मेरा डिपार्टमेंट भी। मां, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत नाराज है। मेरी मजबूरी है जो तुझसे दूर रहना पड़ता है। तुझे पता नहीं है मां, मैं इस समय बहुत ही जरूरी काम में उलझा हुआ हूं। उस काम के खत्म होते ही मैं सबसे पहले सीधा तेरे पास आऊंगा मां। और अगली बार जब आऊंगा ना मां, तो कोई और भी मेरे साथ होगी तुम्हारे साथ रहने के लिए। उसे पूरे दिल से आशीर्वाद देना मां, दोगी ना? मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है बेटा, लेकिन पहले उस लड़की को मुझसे मिलवा तो सही। बेटा श्री कुमार। हा? इधर आना मेरे पास। आ रहा हूं दादी मां। देख बेटा श्री कुमार, मुझे तेरी बात पर पूरा विश्वास है, तू जो भी कह रहा है सच है। अरे इधर उधर क्या देख नहीं, रहा नहीं, है? कुछ नहीं। तू जानता है बेटा, तेरे दादाजी के गुजर जाने के बाद वो रोज मुझसे मिलने आते थे। हाँ, मैं सच कह रही हूँ बेटा। देखो वहाँ उस पेड़ के नीचे रोज आते थे, घंटों बातें करते थे, अंधेरा होने तक। मेरा इलाज भी करवाया क्योंकि लोग कहते थे कि मैं पागल हूँ। क्या कर सकते हैं। हाँ, तेरे दादाजी आए बिना मानते ही नहीं थे, और आखिर में तेरी माँ ने सब लोगों के कहने पर 21 दिनों का पूजा अनुष्ठान करवाया और इस तरह से तुम्हारे दादाजी को दूर कर दिया। अब जो आत्मा तुम्हें बार बार परेशान कर रही है, उसी से छुटकारे के लिए तुम्हारी माँ 21 दिन की पूजा कर रही है। कल से पूजा के बाद तुझे छुटकारा मिल जाएगा। रीटा, 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 क्या हुआ? बोलो। सुना नहीं दादी ने क्या कहा? दादाजी की तरह काश कि मैं भी मर गई होती तो इस तरह से। मैं तुम्हें परेशान नहीं करती, मुझे लगता है अब हमें अलग हो जाना चाहिए। किस्मत में यही लिखा है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो श्री कभी चैन से जी नहीं पाएंगे। हाँ, यही करना होगा, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। देखो तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो। रीटा मैथ्यूज मेरे साथ रहेगी, हमारे मिलने का कोई तो मकसद है। शायद ऊपर वाला भी यही चाहता है कि हम साथ रहें, और अभी तो तुम्हें इंसाफ दिलाना बाकी है। क्या तुम्हें इंसाफ नहीं चाहिए? एक बात और है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, छोड़ने की बात मत करो। अब तो हम दोनों को मिलकर अपनी जिंदगी एक साथ गुजारनी होगी। वादा करो मुझसे कि फिर कभी ऐसी बात नहीं करोगी, प्लीज। ऐसा मत कहो श्री, ऐसा मत कहो। मैं भी अपनी मर्जी से ये सब नहीं कह रही हूँ श्री, मुझे भूल जाओ श्री, प्लीज। खबर मिली? हाँ भाई, वो आर्य कॉलोनी बंगला नंबर 104 में रहता है, नाम है श्री कुमार। ठीक है, अब उसे सबक सिखा कर रहेंगे। लो जाओ। ए डेविड, देखो वो आ गया है, कालिया। उसका नाम है श्री कुमार, हम तुम्हें उसे दिखा देंगे। तुम उसे पकड़ कर मेरे पास लाओ, किसी भी कीमत पर। रीटा मैथ्यूज के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए।
एक कार हमारे पीछे आ रही है श्री, शायद हमारा पीछा हो रहा है। गोविंद पीछे मुड़ के बिल्कुल मत देखना, जिनकी हमें तलाश है वो हमारे पीछे आ रहे हैं। ये जो हमारे पीछे आ रहे हैं ना, उन लोगों को चकमा देकर उनसे हमें पीछा छुड़ाना होगा। ये जो हमें फॉलो कर रहे हैं ना, उन्हें हम फॉलो करेंगे चुपचाप। ओके ओके। पीछे आ रहे हैं ना, यही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, वो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, क्योंकि तुमको तो वो देख नहीं पा रहे होंगे। कौन है तू? हाँ कालिया। किसने भेजा तुझे? जैकब, डेविड जैकब। सच बोल रहा है ना? सच बोल वरना मार डालूंगा तुझे मैं। सच में मेरा यकीन करो। रीता के मर्डर केस में अब तक के छानबीन से यही पता चला है, श्री का उसमें कोई भी हाथ नहीं है। और साथ में ये भी पता चला, किलर काम को नहीं कर पाया। उसने एडवांस को वापस किया, पूरे 70,000 रूपए वापस कर दिए उसने। लड़की को किडनैप करके उसको मार के उसकी डेड बॉडी को खाई में फेंक देना, जैकब ने किलर को यही ऑर्डर दिया था। रीटा के गायब होने के 3-4 दिन बाद ही कालिया ने डेविड जैकब से मुलाकात की थी, और उसके बाद ही रीटा अचानक से गायब हो गई। रीटा के बारे में कालिया ने जो बयान दिया था वो झूठ था कि उसने रीटा की हत्या करने के बाद उसकी लाश को चौराहे पर फेंक दिया था। सच क्या है ये अभी तक किसी को नहीं पता। रीटा के गायब होने के पीछे डेविड जैकब का ही हाथ। डेविड जैकब ने अपना बदला लिया। रीटा के केस में डेविड जैकब के शामिल होने के सबूत मिले हैं। ये काम जैकब ने किसी के इशारे पर किया है। रीटा को आखिर कब तक इंसाफ मिल पाएगा पता नहीं। ये क्या नंद कुमार, क्या मतलब है इसका? डेविड जैकब से पूछताछ के बारे में तुम्हारी ये रिपोर्ट आखिर अखबार में कैसे छप गई? तुम भरोसेमंद नहीं रहे। फिलहाल रीटा के केस से तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। रवि, अब इस केस को तुम्हें देखना है। सर,
ये श्री कुमार मेंटल केस है या नहीं चेक करो। अगर अखबार में छपी खबर सच है तो रीटा कहाँ है उसे जरूर पता होगा। अच्छी तरह से छानबीन करो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, दोषी बचना नहीं चाहिए। यस सर। रीटा, मैं तुम्हें छोड़ के जाना नहीं चाहती। रीटा, रीटा, बचाओ मुझे श्री। रीटा, बचाओ। रीटा, हे रीटा, क्या हुआ? देखो वो क्या है, हैं? तुम्हारे घर पे पूजा हो रही है, उसका आज 18वां दिन है, 3 दिन का समय है मेरे पास। नहीं, हाँ। माँ चिंता मत करो, वो जो कर रहा है सोच समझ के कर रहा है। पागल हो गया है, ये सब तू क्या कर रहा है? ऐसा मत कर, रुक जा कुमार। नहीं डालते, रुक जा बेटा। श्री, हटिए हटिए, आप लोग यहाँ से हटो, यहाँ से आप लोग। श्री पीछे चलो, श्री तुम ठीक हो ना? दादी मुझे माफ कर देना, माँ तू भी मुझे माफ कर देना, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। अंकल आप ऐसा मत कीजिए, आप मेरी जिंदगी से एक बार फिर से खेल रहे हैं, ये सब मत कीजिए। चलो छोड़ो मुझे। चल सर, अरे सर, छोड़िए उसे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। चर्बी चढ़ गए ने तेरे को श्री कुमार, चल तेरी चर्बी निकालता हूँ। चल। अरे देखिए डॉक्टर, ये श्री कुमार है, चेक करें कि इसे मानसिक बीमारी है कि नहीं, अगर है तो इसके बारे में हमें लिख के दीजिए, डिपार्टमेंट को लिखित में चाहिए। पहले सबकी हथकड़ी खोलिए। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। अगर मुझे जांच करनी है तो पहले हथकड़ी खोलनी होगी। अच्छा ठीक है, फिर हथकड़ी खोल दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, हटो। मुझे बताओ अब मामला क्या है? मैंने पूजा की जगह पर तोड़फोड़ की। किस लिए? रीटा उसे डर लगता है, उसकी हालत देखकर मैं अपने आप को जरा भी रोक नहीं पाया। ऐसा करने से कुछ फायदा हुआ? नहीं, लेकिन उसकी शांति के लिए मुझे ये सब तोड़फोड़ करनी पड़ी और कोई चारा नहीं था। गुड, तुमने बहुत अच्छा किया। मैंने इसकी अच्छी तरह से जांच की है, वो पूरी तरह से नॉर्मल है, इसे किसी भी तरह की कोई मानसिक परेशानी नहीं है। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश मत करो। मतलब सजा देने वालों को बचाना चाहिए मुझे? डेविड जैकब और उसके साथियों को पकड़ा आपने? नहीं, वो दोनों अभी तक फरार हैं। लेकिन इन लोगों को जानता हूँ मैं, श्री कुमार ने जो कुछ भी अखबार में लिखा है उसकी एक एक लाइन, एक एक वर्ड सही है, एक ऐसा सच जो पुलिस के लिए शर्मनाक है। पुलिस का ये बदला लेने का तरीका सही नहीं है, इसे फौरन रिहा करो। नहीं, आपको अंदाजा ही नहीं है कि कितना खतरनाक है ये, इसे कहीं और दिखाएंगे, इसने पुलिस वालों पर इल्जाम लगाया है, इसे हम छोड़ेंगे नहीं। चल चल निकालो, चल 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 चल। Thank you.
तो होना श्री। रीटा, रीटा कहाँ है गोविंद? क्या कहा? रीटा कहाँ है ये बता। मैं तुम्हारे पास ही हूँ, रीटा तुम्हें दिख नहीं रही। नहीं ऐसा मत कहो प्लीज, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। क्या हुआ? क्या तुम रीटा को देख नहीं पा रहा है? लेकिन पहले तो देख पाता था। मैं यहाँ हूँ गोपाल, इसे कहो मैं यही हूँ, मुझे कैसे भूल सकते हो? क्या हो गया तुझे, इतना परेशान क्यों है? देखो देखो मैं तुम्हें, श्री श्री इस तरफ। कैसे हो तुम? डॉक्टर, मेरी पावर खत्म हो गई जिससे मैं रीटा को देखता था। शायद रीटा मुझे छोड़कर चली गई। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक काम पूरा नहीं होता, रीटा श्री को छोड़कर नहीं जा सकती। ये मेडिकेशन और तुम्हें जो इतना टॉर्चर किया जा रहा है, उसी वजह से मानसिक कमजोरी है। इसीलिए फिलहाल तुम्हें वो नजर नहीं आ रही है। दवाओं के असर के बाद जब पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, रीटा तुम्हें दिखेगी। पुलिस ने इनके खिलाफ जो केस दर्ज किए हैं, कुछ वकील हमारी मदद करना चाहते हैं। केस करना चाहिए? नहीं 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 नहीं, अभी कुछ भी मत करो। अगर हम लोगों ने अभी कुछ भी किया तो रीटा का केस अपने अंजाम तक कभी नहीं पहुंचेगा। श्री कुमार ने इस केस पर इतना काम किया है, उसे पूरा होना ही चाहिए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आम इंसानों के मुकाबले ये जो तुम्हारी रीटा है ना, उसका IQ लेवल कहीं ज्यादा है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ श्री कुमार, मुझे ये भी पता है तुम भी कुछ वैसे ही हो। मेरे कहने का मतलब है, एक ही फ्रिक्वेंसी के दो इंसान। हमारी आवाज को हम सुनते हैं, धड़कनों को महसूस करते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ शांत हो जाता है। इन सब बातों से डरो मत, जो करना चाहते हो वो करो। तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम कर सकते हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, सच सामने आएगा, बस कोशिश करो। थैंक यू डॉक्टर। उन लोगों ने मुझे शॉक दिया, शायद इसीलिए मेरी ये हालत हुई, इसीलिए शायद मैं रीटा को देख नहीं पा रहा। मुझे हार नहीं माननी चाहिए। गोविंद सुन, मेरी एक बात ध्यान से सुन गोविंद, मुझे किसी भी तरह यहां से निकाल कर ले चलो। मुझे कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना है जो असली मुजरिम है और अभी तक बचे हुए हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। कैसे? एक ऐसे आदमी को मैं जानता हूँ जो इस काम में माहिर है। कौन है वो? तुम भी उसे जानते हो गोविंद, मोहन। हाँ तूने बिल्कुल सही कहा। गोपाल, उसके लिए कितने पैसे मिलेंगे? तुझे कितने चाहिए? देखो ये कोई आसान काम नहीं है। शिव कुमार पेपर में भी लिख रहा है, पैसे भी कमा रहा होगा, फेमस भी हो गया होगा। मुझे तो इस काम के लिए भाई बहुत पैसा चाहिए। कितने? 1,00,000। ओहो, इतने ज्यादा पैसे चाहिए? देखो हम दोनों पुराने दोस्त हैं, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मोहन। देखो दोस्त, उससे कम बिल्कुल नहीं हो पाएगा, चाहे किसी और को बुला लो। ठीक है, बात पक्की, लेकिन एडवांस में बस 50,000 रुपए ही मिलेंगे तो बोलो। नहीं 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 नहीं, इतने कम से काम नहीं चल पाएगा, मुझे तो पूरे पैसे चाहिए। मेरे कान में क्यों मारा? मैं भी तेरे कान में मारूंगा। मैंने नहीं किया। मुझे पता तूने किया है। है? है? लगता है रीटा का भूत आ गया। ऐसी बातें करके तू मुझे बेवकूफ बना रहा है ना? एक बार समझ ले, मैं ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करता हूँ। ये भूत वूत कुछ नहीं होते, समझे? हे ऊपर वाला, इसको अकल दे। अरे मुझे कुछ कर रहा है। अरे कौन कर रहा है? अरे रुको इसे। कौन है? कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी। पैसे कम करने तो मार दिए जाओगे। मैं तो हर काम फ्री में कर दूंगा, मुझे तो पैसे भी नहीं चाहिए।
अब तू अपनी जुबान से मुकर नहीं सकता। मैंने हाँ तो कर दी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रीटा के केस पे आपने ईमानदारी से काम किया, फिर भी आप सस्पेंड हो गए। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ सर, रीटा के केस के मामले में आपसे कुछ मदद मिलेगी या नहीं? तुम चाहते हो तुम्हारे दोस्त को छुड़ाने में तुम्हारी मदद करूं? ये संभव नहीं है, इस केस में ऊपर से दबाव है। वैसी मदद नहीं चाहिए। मतलब? आइए मेरे साथ। अरे तुम कैसे बच गए? बैड लक, मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। अरे सर, आप अभी ड्यूटी पे नहीं है सर। अरे तुम यहाँ, यहाँ कैसे? क्या सर, आप भी गिरफ्तार करने की बात करते हैं? आखिर इंसानियत भी कोई चीज है। बातों से लगता है तुम भी इसके साथ। सर, आपको यहाँ मदद करने के लिए बुलाया है, क्या आप मदद नहीं करेंगे? कैसी मदद चाहिए? आओ। पहले एक पॉलिटिकल पार्टी ने रीटा को एक झूठे केस में फंसाया, और एक मंत्री ने उसे बहुत बुरी तरह बदनाम करने की कोशिश की। रीटा के साथ जिन्होंने गलत किया था उन सभी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। उन सब ने मिलकर रीटा को ही दोषी साबित कर दिया। अगले चुनाव में वो पार्टी हार गई और मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा। इस केस की वजह से मंत्री की बहुत बदनामी हुई, और वो एक्स मिनिस्टर था वीवी प्रताप। सर आपने कहा था ना, ऊपर से प्रेशर है। अरे लेकिन तुम्हें ये सब जानकारी कहां से मिली? तुम करना क्या चाहते हो? मेरा अगला टारगेट है वो मंत्री वीवी प्रताप, जो असली गुनहगार है। एएसपी को भी खबर कर दो, और वो जो इंस्पेक्टर रवि है उसे भी ये बात मालूम होनी चाहिए। हाँ मैं समझ गया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं डिपार्टमेंट में खबर कर देता हूँ, लेकिन कुछ गड़बड़ हुई तो? अब जो होना है होके रहेगा। तो ठीक है फिर, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। सर आपकी मदद से इंसाफ मिलेगा और आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। बड़ी मेहर, थैंक यू। चल जा। चाहती हूँ, मुझे कुछ याद आ रहा है। वार्डन को कुछ दिया था मैंने, इम्पोर्टेंट पेपर्स। जब मैं हॉस्टल से निकली मैंने देखा कि अचानक एक कार आके रुकी। उस कार से कुछ लोग बाहर निकले और एक लड़की को उठा कर ले गए। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो श्री? तुम साथ नहीं दोगे तो मैं अपने आप को कैसे ढूंढ पाऊंगी? मदद करो मेरी।
तुम्हारे अलावा और कोई भी ना मुझे देख सकता है और ना ही सुन सकता है। हेल्प मी। कहाँ हो तुम? तुम जहां भी हो चिंता मत करो, हम जरूर मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। और अगर नहीं मिल पाए तो मेरी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी रीटा। अब ऐसे काम में फंसे हुए कि एक नंबर करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। हाँ तू बिल्कुल सही कह रहा है यार, पुलिस का काम भी हमें करना पड़ रहा है। अभी जो काम कर रहा है कर, पुलिस के बारे में बाद में सोचना। मोहन? गोपाल? क्या है? लड़की की आवाज क्यों निकाल रहा है पागल? मैंने कब निकाली? तू झूठ मत बोल, मैंने अभी सुना। तू मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। गोपाल? अच्छा बेटा, मुझे कह रहा था तू लड़की की आवाज खुद निकाल रहा है। सुन, तू बकवास मत कर। मैं बकवास नहीं कर रहा, मुझे मालूम है ये तेरा ही काम। तो फिर ये तेरी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मेरी नहीं बनने वाली, प्रॉब्लम तेरी बनने वाली है। चल जल्दी करा दे। तेरे चिल्लाने से डर नहीं जाऊंगा मैं, अपनी मर्जी का मालिक हूँ, अपनी मर्जी का। तुझे क्या लगता है मैं तेरी बात से बेवकूफ बन जाऊंगा? गोपाल तुम मुझे देख सकते हो? देख सकता हूँ। और तुम मुझे सुन भी पा रहे हो? सुन सकता हूँ। तो फिर छुआ मुझे। मुझे छू के तुम्हें कैसा लगा? अब कैसे बताऊँ? मुझे पहचान रहे हो ना? पहचान रहा हूँ। मैं कौन? रीटा हो ना? मैं रीटा को देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ और छू भी सकता हूँ। मैं भी देख सकता हूँ। भी दिख रही है। पर आखिर है कौन? मेरे साथ क्या तुम वही रीटा हो जिसे हम ढूंढ रहे हैं? हेलो गोविंद, कहाँ है तू? क्या हुआ? रीटा मिल गई। गोपाल बकवास मत कर, जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जा। अच्छा तुझे भरोसा नहीं है ना, तो ले खुद रीटा से बात कर। मेरे गोविंद, मैं रीटा बोल रही हूँ, तू मुझे सुन पा रहे हो? ये तो रीटा है। सुना गोविंद, मैं गोपाल के साथ तुम्हारे पास आ रही हूँ। नहीं नहीं, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। गोपाल को फोन दो ना। आओगे ना? हेलो गोपाल, मैंने उसकी आवाज सुनी, मेरी तो किस्मत खुल गई। और क्या लिखूं बताइए? ये लिखो कि तुम्हारी बहुत याद आती है। हाँ लिख लिया। आगे लेटर लिखना बंद कर। अरे तू छोड़ इसको। अरे क्या हुआ? अरे तू बंद करना लिखना। ये क्या हो रहा है? मेरे आने तक इंतजार नहीं कर सकते? ये पकड़ो, ये पकड़ो। आप बोलती रहिए, मैं लिखता हूँ।
मना किया ना लिखने के लिए। गोपाल अब क्या हुआ? जब मैं तुमसे बात कर रहा था तब वो लोग पता नहीं क्या लिख रहे थे। क्या? श्री के बारे में कुछ लिख रहे थे, इससे गड़बड़ हो सकती है ना। उससे कहो कि ऐसा ना करे, अगर तेरी बात ना सुने तो उसका गला दबा दे। क्या कहा? गला दबा दे? गला दबा दूं? अरे मेरा गला तो गला दबा रही हो। अरे रोक उसे, गोविंद ने मुझे गला दबाने को कहा है। गोविंद के लिए क्या तुम कुछ भी कर सकती हो? मेरी बात सुन, मैं वहाँ पहुँचता हूँ, तब तक तू संभाल ले बस। चिंता मत कर तू, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। गोविंद ने कहा इसे छोड़ दो। जब इसने मेरी गर्दन पकड़ी थोड़ी तकलीफ हुई पर मजा आ गया। सच में यार, मजे के चक्कर में तेरी जान ना निकल जाए। मोहन, गोविंद यहाँ पर आने के लिए घर से निकल चुका है। रीटा तुम कमरे में छुप जाओ, गोविंद को अच्छा लगेगा। सच में? रीटा देखो मैं आ गया हूँ, मैं गोविंद आ गया हूँ। गोविंद आ गए। रीटा तुम शरारत बहुत करती हो। तुम भी तो शरारती हो। तुम जब मुझे पहली बार मिले थे तो बहुत अच्छे लगे थे। अच्छा लगा था? हाँ बिल्कुल। अपने दोस्त के फ्रेंड को ऐसे नजरों से नहीं देख सकता, मैं शरीफ आदमी हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? अच्छा तुमने वो सूट देखा? कौन सा सूट? अरे वो दूल्हे वाला सूट। किसका दूल्हा? अरे तुमने ही तो उस दिन कहा था कि तुम दूल्हे का सूट लेकर आने वाले हो। जरा सामने आओ, जरा सामने तो आओ। ला गई। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी यही कपड़े पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, हाँ सच में पसंद है। देखो ना ये रो रहा है। मैं रीटा को देख नहीं पा रहा हूँ। मैं तो यहाँ सामने खड़ी हूँ। रीटा तो पास में ही है। कहाँ हो रीटा? मैं रीटा को देख भी नहीं पा रहा हूँ, मैं कितना बदकिस्मत। ये देख तेरी रीटा यहाँ खड़ी है। मेरी आंखें रीटा को देख नहीं सकती, मैं इनको फोन। अरे नहीं नहीं ऐसा मत कर। अभी तो फोन पे बात की थी तूने। फोन पे ही तो बात की थी और क्या, सामने थोड़ी बात की थी। बता, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। अगर मैं रीटा को नहीं देख सकता मैं अपनी जान दे दूंगा। मुझे आशीर्वाद दे, मुझे आशीर्वाद दे। तुम्हें तो देख नहीं पा रहा। अरे सुनो तो, रीटा जल्दी चलो नहीं तो आत्महत्या कर लेगा। तू जाओ उसे बचाने, मैं यहीं रुकता हूँ। नहीं नहीं तू भी चल, चलो तुम यहीं पर रुको, हम अभी आ रहे हैं। गोविंद रुक जाओ, ये क्या पागल बन। अरे मेरी बात मानो गोविंद, तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? पागल नहीं हुआ हूँ मैं, ये न्यूज़पेपर देखो, ये है असली रीटा, वो माया है, मेंटल केस। छोटी मोटी मेंटल नहीं है, बहुत बड़ी वाली मेंटल है वो। वो गला दबा कर किसी का भी मर्डर कर सकती है। डॉक्टर अशोक से पूछ लो, जाओ अपनी जान बचा के भागो यहाँ से। गोपाल क्या अब हम यहाँ से भाग नहीं सकते? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। गोविंद हमें फंसा कर चला गया है, देखो सामने से मुसीबत आ रही है। मोहन लगता है आज हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। ऐसी बात करके डराओ नहीं मुझे। क्या हो गया, तुम दोनों इतने चुप क्यों हो? हम दोनों ना कुछ देख पा रहे ना कुछ सुन पा रहे हैं। हम लोग अंधे बहरे हो गए हैं। अंधे बहरे हो गए हो? हाँ लगता तो ऐसा ही है। मतलब दोनों की प्रॉब्लम्स? हाँ सही कहा, सेम प्रॉब्लम है। मिस्टर ब्लाइंड मोहन, ये डंडा देख रहे हो? कुछ कहा? ये डंडा तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। अब कुछ दिखाई दिया? नहीं मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इस पर ट्राई करो, शायद इसको कुछ महसूस हो। आइडिया। मुझे चोट नहीं लगी पर बहुत रोना आ रहा है। है? डंडे से बात नहीं बनी तो ये काम कर देगा। मोहन, गोपाल दोनों गायब। नंद कुमार ने फोन किया था, जब एएसपी से मीटिंग हो तो मुझे भी वहां होना चाहिए। किस लिए? क्या तुम इतना भी नहीं जानते, पुलिस का रूटीन वर्क ऐसे ही होता है, केस को सॉल्व करने के लिए। बात समझ लो, हमारे ठिकाने के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खासकर उस इंस्पेक्टर रवि को। सुराग क्या सुई की नोक भी नहीं मिलेगी, ये मेरा वादा है तुमसे। बिल्कुल। श्री, रीटा जिस दिन गायब हुई थी उसी हॉस्पिटल के सामने एक बस स्टैंड से एक और किडनैपिंग हुई थी, एक अनजान लड़की थी उसी के बारे में ये छोटी सी रिपोर्ट है। इसका मतलब ये है कि वो लाश रीटा की नहीं थी। अखबार में जिस लाश की फोटो छपी है वो रीटा की तो नहीं है, ये बात तो एकदम साफ है। मेरे ख्याल से ये लेडी रीटा के साथ ही पढ़ा करती थी, ये केवल मेरा अंदाजा है। इसका मतलब ये हुआ कि वीवी प्रताप के गुंडे ये चाहते थे कि इस लाश को रीटा की लाश मान लिया जाए।
दवा खरीद कर लौटती लड़की का किडनैप कर उसकी हत्या कर उसे बीच चौराहे पर फेंक दिया गया। बॉडी तो पुलिस को मिल गई, लेकिन ऊपरी दबाव के चलते पुलिस ने इंक्वायरी बंद कर दी। रीटा केस के जांच अधिकारी नंद कुमार ने भी इस केस के बारे में आगे पूछताछ नहीं की। जरूर ऊपर से कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। पेपर में हम क्या कोई खबर छापने वाले हैं? देखो, हमें खबर अखबार में जरूर निकालेंगे। समझदारी इसी में। इस वक्त हमें उस लाश के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। ये समझकर कि हम लोग डर गए हैं, वो एक बार फिर से रीटा पर हमला करने की कोशिश जरूर करेंगे। मोहन। हाँ बोलो। इस केस में तुम्हारा काम अब शुरू होता है। क्या करना है? सिर्फ ड्रामा करना है। ऐसा लगना चाहिए कि तुम मेरे और वीवी प्रताप के बीच में मीडिएटर हो। इस ड्रामे को करने का फायदा यह होगा कि कुछ छिपे हुए राज सामने आ जाएंगे और तुम्हें एक बार फिर से हॉस्टल जाना पड़ेगा वार्डन से मिलने के लिए। वार्डन से मिलने? ये ठीक होगा श्री। ध्यान से। अब कुछ भी हो जाए मैं अकेला नहीं जाऊंगा। भाई अगर ऐसी बात है तो आज मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहूंगा वहां, क्योंकि वहां लड़कियां होंगी, मजा आ जाएगा। मोहन चाहे कुछ भी हो जाए पर लड्डू और जलेबी की बात यहाँ पर मत करना, वरना पुलिस उठा के ले जाती है। तू कैसी बात कर रहा है? यहाँ तो सारी लड़कियाँ लड्डू और जलेबी जैसी दिख रही है यार। सीधा चल। बैठिए। क्या काम है बताइए। बस एक छोटा सा सवाल पूछना है। आप पुलिस से हैं? मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। अरे आप गलत समझ रही है, इस हॉस्टल में मैं पहले भी आ चुका हूँ। सच है ना? सच है। और कितनी देर तक मुझे यहाँ ऐसे ही रहना पड़ेगा? कम टू द पॉइंट। एक बात समझ लीजिए, आपका जवाब हम रिकॉर्ड करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। मिस्टर वीबी प्रताप और रीटा के बीच कोई प्रॉब्लम थी क्या? उसकी वजह मैं ही हूँ। एक बार वो हमारे यहाँ एनुअल फंक्शन में आए थे। रीटा का अमेरिका जाने का सपना था अपनी हायर स्टडीज के लिए। ये सोचकर कि वो शायद उसकी मदद कर देंगे, मैंने ही रीटा का उनसे परिचय करवाया, रिक्वेस्ट की कि वो रीटा की मदद करें। रीटा कई बार उनसे मिलने भी गई थी। उन्होंने अमेरिका भेजने के नाम पर कई जगह रीटा के साइन लिए। उस दिन रीटा मेरे पास आकर रो पड़ी। ये बकवास तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? वार्डन ने श्री कुमार से कहा है कि वो इस बात का खुलासा करने के लिए तैयार हैं। श्री को आपके खिलाफ सबूत मिल गया है। लेकिन मैं तो यहाँ आपके फायदे की बात करने आया हूँ। सीधे काम की बात करो। ओके, आई विल कम टू द पॉइंट। श्री कुमार को जो जानकारी मिली है उस आत्मा से, वो आत्मा कहीं गायब हो गई है, इसलिए वो अखबारों में लिख रहे हैं। एक तमिल लेडी का केस था ना, उसी से आपको बदनाम कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, अगर वो ऐसे ही अखबारों में लिखते रहे तो ये आपके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। सर अगर आप चाहे तो इस मामले में मैं आपका समझौता करा सकता हूँ। वो किस तरह? उसे 5 लाख चाहिए फिर वो यहाँ से चला जाएगा। आप इस मुसीबत से छुटकारा पा जाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। पैसे मुझे देने की जरूरत नहीं है, जिस पे भरोसा हो उसी के हाथों से भिजवा दीजिए। डील ओके, लेकिन पैसे लेने के लिए श्री कुमार को मेरी बताई हुई जगह और समय पर अकेले आना होगा। मुझे नहीं लगता श्री कुमार आपकी शर्त मानेंगे, कहीं आपने उसे फंसा दिया तो। तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए मुश्किल होगा? रीटा के केस से मेरे या मेरे आदमियों का कोई संबंध नहीं है, समझे? हाँ गलती से किसी और लड़की को उठा लिया था मुझे बताए बिना, बस इतनी सी बात है। बस इसीलिए इस मामले को सुलझाने के लिए मैं श्री के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो गया हूँ। मुझे अपने लोगों को भी तो बचाना है। अगर उसे खुद पर यकीन है तो डर किस बात का? जाओ बता दो उसे। ठीक है, श्री कुमार अकेले आएंगे और आपका आदमी भी। अग्रीड। ओके, मैं उससे बात करता हूँ। काम हो जाना चाहिए, कोई गलती नहीं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी तक तो सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कि मैं सोच रहा था। मेरे लिए कोई ना कोई आदमी तो जरूर आएगा। आदमी? हाँ सही कह रहा हूँ मैं। बीवी प्रताप मुझे अपने तरीके से खत्म करने की कोशिश जरूर करेगा गोविंद। यही सच है। तुम्हारा अकेले जाना ठीक होगा? मुझे जाना तो पड़ेगा। क्या होने वाला है इसकी साफ साफ तस्वीर मेरे दिमाग में अभी तो नहीं है। आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो? अगर तुम हमें अपना प्लान नहीं बताओगे तो हम तुम्हारी मदद कैसे कर पाएंगे? तुम्हारी प्लानिंग क्या है हमें साफ साफ बताओ।
मुझे लगता है अब मैं पागल होने वाला हूँ, या ये कहूँ कि अब मुझे पूरी तरह पागल हो जाना चाहिए। लेकिन एक बात तो तय है, फैसला होकर रहेगा। जाकर उससे कहो कि मैं उससे इसी वक्त मिलना चाहता हूँ। रुको रुको, एक बार अच्छी तरह से सोच लो, फिर जो जी में आए कर लेना। बिल्कुल नहीं, मुझे रीटा वापस चाहिए, उसी के जरिए मैं अपनी रीटा से मिल सकता हूँ। अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। श्री कुमार तैयार है सर। ओके, कब और कहां पहुंचना है मैं तुम्हें बता दूंगा, पैसे मिल जाएंगे। ये तुम क्या करने जा रहे हो श्री? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे लिए अपनी जान जोखिम में मत डालो, ऐसा मत करो श्री। यस, अच्छा तो तुम आ ही गए सामने। जैसी मुझे उम्मीद थी बिल्कुल वैसा ही हुआ है, तुम आ ही गए मेरे सामने। एक बात कहूं, मुझे वीवी प्रताप के पैसे नहीं चाहिए थे, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत थी। अभी तक मुझे गलत फहमी थी, शायद तुम मुझे एक्सपायरी दवाएं खिला रहे हो और इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दे रहे थे मुझे। तुम्हारी इन हरकतों ने मुझसे मेरी सेहत छीन ली और इसकी वजह हो सिर्फ तुम लोग। मुझे वो सब कुछ वापस चाहिए, वापस कर मुझे। अगर वापस नहीं किया तो मैं पागल हो जाऊंगा। लगता है श्री किसी मुसीबत। चलो। रीटा, रीटा,
रीटा, वो फिर से रीटा को देख पा रहा है। यस, तो इसी बात पे कुटाई शुरू। मेरे पास थैंक्स बोलने के लिए शब्द नहीं है रवि। थैंक यू श्री। चलो मुझे तुमसे कुछ कहना है। गोविंद चलो। भागकर कहाँ जाता है? ये रवि बदला लेने के लिए मेरे पीछे जरूर आएगा। तुम लोग गाड़ी में बैठ के निकल जाओ। जाओ चलो। ठीक है चलो। रीटा, तुम्हारी रीटा कहाँ है? दिख नहीं रहा है, मेरे सीने से लगी हुई है। क्या कह रही है वो? ये कह रही है मुझसे कि अभी हमें कई जगहों पर जाना है और कई जरूरी काम निपटाने। तो सबसे पहले कहाँ जाना है? सबसे पहले हॉस्टल जाएंगे और वार्डन से मिलेंगे। श्री, जंग खत्म, बस अब रीटा के कातिल को ढूंढना है। हम रीटा को भी ले जाएंगे। कहाँ है वो? यहीं पर तो है। कम ऑन, ये देखो क्या यहाँ है हमारे बीच। ला 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 la 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 la. क्या है? माफ कीजिए, मेरा नाम श्री कुमार है। मैं बिना पूछे अंदर आ गया। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ओह श्री कुमार, आप यहाँ कैसे? हम रीटा को बहुत करीब से जानते हैं। उसने जाने से पहले आपको कुछ सामान दिया था। हम वही सामान देखना चाहते हैं। हाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स तो थे। हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। वेट। ये रहे। मैडम कृपा करके आप ये बताइए, आपने इन डॉक्यूमेंट्स को पहले कभी देखा? सॉरी, दूसरों के डॉक्यूमेंट्स मैं क्यों देखूंगी? सॉरी मैडम, माफ कीजिएगा, यहाँ मेरे साथ कोई और भी है। ओके कम ऑन, ये तुम्हारे ही कागजात है प्लीज। अरे तुम्हारे ही कागजात है ना प्लीज। अरे रीटा प्लीज कम ऑन, ट्राई ना ट्राई। अमेरिका जाने के लिए ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, प्रिंसिपल ने मुझे दिए थे। अब मुझे मेरा मेडिकल कॉलेज भी याद आ गया। अगला टारगेट मेडिकल कॉलेज। थैंक यू मैडम, ये डॉक्यूमेंट्स यहीं रख रहा हूँ, लेकिन याद रखिए बाद में रीटा के साथ आऊंगा और डॉक्यूमेंट्स लेकर जाऊंगा। तो अब देखो मेरा जादू। योर लतिका, सुलक्षणा, अपर्णा, जैस्मिन, ये है मेरा जादू। आपका नाम क्या है? मेरा मेरा नाम गोविंद है। आपसे मिलके अच्छा लगा। ला 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 ला। प्रिंसिपल सर ने मेरी बहुत मदद की है। Who are you? What do you want? मुझे कुछ चाहिए नहीं, हम तो यहाँ कुछ देने आए हैं। क्या? आपका फेवरेट स्टूडेंट आपको कुछ देना चाहता है। चलते हैं। कुछ नहीं हुआ है, आप लोग जाइए जाइए जाइए, अपना काम कीजिए। चलिए चलिए भाई। चलो चलो चलो, कुछ भी नहीं है। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ मैं काम करती थी, कुछ भी तो नहीं बदला है।
ये शारदा सिस्टर है। क्या है शारदा सिस्टर, तुझे क्या हुआ? वो आ रही है। क्या मुसीबत आ रही है? ये क्या है? समझाऊंगा बाद में, समझाऊंगा। सिस्टर आप? आप वही है जो रीटा को पूछ रहे थे? तो आपको याद है? ओके। रीटा को तो आप अच्छी तरह जानती हैं सिस्टर, क्या बता सकती हैं कि उसे आखिरी बार कहाँ देखा था आपने? हाँ याद आया, उस दिन वो हमारे ही एक पेशेंट के रूम में थी। हाँ यहीं से आगे जाके रूम नंबर 104। थैंक यू सिस्टर, एक के बाद एक सुराग मिल रहे हैं। गोविंद मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, कॉर्नी बॉय, अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सब क्या हो रहा है? कौन है? मैं रीटा हूँ। रीटा? गोपालन मोहन की रीटा, सिर्फ वही उसे देख पाते हैं, मैं नहीं। ये कौन सी रीटा? चुप कर यार, तुझे मजा आ रहा है, मुझे बचा इससे प्लीज। अरे छोड़िए इसको, छोड़िए, हटिए। आपने बोला इसलिए छोड़ दिया। इसे पकड़ लो। नहीं नहीं, मुझे तो गोविंद ही चाहिए। गोविंद। ओ, एक सुंदर लड़की ने मेरी गर्दन पकड़ ली, अब मैं देख नहीं पा रहा। अरे इधर देखो, मैं इधर तुम्हारे सामने हूँ। नहीं देख सकता। अब देख पाएगा, अभी जल्दी पकड़ती हूँ। हम देख सकता हूँ, देख सकता हूँ। अभी देख पाएगा। दरअसल हम यहाँ किसी को ढूंढने आए हैं। मैं भी चलो। नहीं नहीं, चलो यहाँ से। देखो उसने कहा रीटा, चलो 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 चलो। क्या हुआ रीटा? कुछ नहीं, ये मेरा चेहरा देख के मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है मुझे आगे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। कोशिश करो। मैं तो कोशिश करने नहीं दूंगी। हाँ चुप रहो अभी। डॉक्टर शुक्ला कमरे में आ रहे हैं। उसके बाद बोलो, बोलो ना। उसके बाद तुम चुप नहीं रह सकती। एक बोलने को कहता, दूसरा चुप रहने के लिए कहता, पता नहीं मैं क्या करूं। देख नहीं रही हो, रीटा से बात कर रहा है। मेरे अलावा यहाँ और कौन रीटा है? तुम्हारा दोस्त पागल है क्या? सही समझी, उसका स्क्रू कुछ ढीला है। स्क्रू ढीला है? हाँ। इसलिए वो मुझे देख के बात नहीं कर रहा था। दिस इज चीटिंग। हाँ दिस इज चीटिंग। हाँ कमरे में आने के बाद क्या? मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया। कौन है ये औरत? तुम ही ने तो बुलाया उसे। मैंने? हाँ तूने। कब बुलाया? ये पागल है, टोटल मेंटल केस। उसी वक्त क्यों नहीं बताया मुझे? अब समझा गड़बड़ हो गई। इसे बाहर भेजो। नहीं भेज सकता। ये तो कहो चुप रहे। अरे समझो यार, वो बहुत बड़ी पागल है, नहीं जाएगी। अरे इसकी बकबक से रीटा डिस्टर्ब हो रही है, ये मेरे बस में नहीं है। चलो निकालो इसे। ए, सुनो, तुम उस पागल से क्या काना फूसी कर रहे थे? तुम उसके करीब मत जाओ, नहीं तो वो तुम्हें भी पागल बना देगा। अरे वो ये कह रहा है कि तुम चुप रहोगी तो हमारी शादी यहीं हो जाएगी, और वो भी आज ही। सच कह रहे हो? सच में? फिर तो मैं वहां मर जाऊंगी। डॉक्टर को देखने के बाद मैं सीधे मॉर्चरी की तरफ चली गई, दादी माँ को देखने। और वहाँ क्या हुआ? शायद हमें वहाँ जाना चाहिए। जाएंगे। हाँ चलो 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 ना। अरे हम नहीं जा सकते, हमें यहीं रुकना है, श्री जाकर हमारी जयमाला ले आएगा। हाँ हमारी जयमाला बहुत सुंदर लेकर आना। हाँ क्या है वहाँ? देखो वो डॉक्टर आ रहा है, उसी ने मुझे मारा था। है? मेरा यकीन करो श्री। नो! नहीं रीटा, वो किसी ने नहीं मारा। रीटा मरी नहीं है। ये
सच है श्री, उसी ने मारा। नहीं, ऐसा मत कहो। मैं यकीन नहीं करता, मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता। जा पूछो उससे, मुझे उसने मारा है कि नहीं। उसी मोर्चरी में उसने मेरा मर्डर किया था। इसी समय का मुझे इंतजार था। हाँ, मार डालो मुझे, मैं इसी लायक हूँ, मैं यही डिजर्व करता हूँ। चल यहाँ से, चल यहाँ से, चल। क्या हो रहा है ये सब? थाने चलो। हो क्या गया तुझे? सारा बना बनाया काम बिगाड़ दिया तूने, समझा? क्यों किया तूने ऐसा बता? उसने ये सब इसी की वजह से हुआ है। उसने एक डॉक्टर को मुझे दिखाते हुए कहा, उस डॉक्टर ने मुर्दा घर में ले जाकर मुझे मार डाला। रीटा ने कहा? क्या सच में? हाँ, उसके बाद मैंने कुछ सुना ही नहीं और मुझे याद भी नहीं आ रहा मैंने क्या किया। इसने बहुत ही आसानी से ये बात कह दी गोविंद कि ये मर चुकी है। अगर ये सच है तो फिर मैं अपने इस दिल को किस तरह समझा पाऊंगा? जिस रीटा को मैं ढूंढ रहा हूं वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तू ही बता मैं खुद को कैसे समझाऊं? मैंने जो कुछ हासिल किया, जिसे चाहता हूं, उसे मैं ऐसे कैसे खो दूं? मैंने जो सोचा आज तक कभी गलत नहीं हुआ। नो, नेवर। अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो मैं भी नहीं रहूंगा। किसी की तकलीफ का मजाक उड़ाने वाले, जिन्हें लगता है कि वो लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि वो दुनिया में सबसे ऊपर है, ऐसे लोगों की सारी बातें मेरे मन को, मेरी आत्मा को बहुत ठेस पहुंचाती है गोविंद। शायद अब तक मैं भी ऐसा ही था, पर अब और नहीं। अगर रीटा को मार दिया गया है तो फिर वो कौन है? रीटा की आत्मा है जो उसके शरीर से बाहर आ गई है, तो फिर मैं इसका भरोसा कैसे करूं? देखो, अगर मैंने इसका भरोसा कर लिया तो इसके असली सच को कैसे जान पाऊंगा गोविंद? ये तू कैसी बात कर रहा है? मैं किस बात का विश्वास करूं? रीटा मर चुकी है या फिर वो जिंदा है, किस पर? अब चुप क्यों है, बोल। लेकिन रीटा तो कहीं चैन से सो रही है, इन सब बातों से बेखबर। ना वो कुछ जानती है, ना हमें कुछ पता है। शायद जिंदगी और मौत की दुनिया के बीच कहीं, लेकिन कहां मालूम नहीं। तुम गलत कह रहे हो श्री। रीटा ने तुमसे कितनी बार कहा था कि वो मर चुकी है? उस पे विश्वास ना करके तुम्हें क्या मिलने वाला है? बोलो श्री, सिर्फ तुम ही उसके दिल की भावनाओं को समझते हो, सिर्फ तुम ही उसे इंसाफ दिला सकते हो। ऐसे हिम्मत मत हारो दोस्त। अगर तू हिम्मत हार गया तो उसे इंसाफ कैसे मिलेगा, बता मुझे। अपने दिमाग को शांत रख और कोई रास्ता निकाल। तू कर सकता है, एक बार कोशिश करके तो देख। नहीं कर सकता, क्या सच का सामना कर पाऊंगा मैं? हाँ, तू कर सकता है। रीटा के केस की सच्चाई तुझे सामने लानी ही होगी।
दुनिया को भी पता चलना चाहिए। सच को किसी भी तरह से छुपाया नहीं जा सकता। पूछ रीटा से, जाकर उसे पूछ। वो तेरे पास ही क्यों आई? इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी श्री। अपने दिल से सोच, उसे तेरी मदद चाहिए, समझ रहा है ना? ऐसा मत कर। रीटा ने अपने दिल का दर्द सिर्फ तुझसे ही कहा है मेरे दोस्त, और तू भी तुझसे प्यार करता है ना? सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, मुझे माफ कर दो। ऐसा मत कहो, तकलीफ तो मैंने तुम्हें दी है। अब बताओ मुझे, क्या हुआ था वहां? रीटा जब मॉर्चरी में पहुंची थी तब क्या हुआ था, बताओ मुझे। वहां पर मुझे किसी के आने की आहट सुनाई दी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। क्या हुआ सर? मैं तुमसे जो बात कहना चाहता हूं उसे जरा ध्यान से सुनना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी खुशी में, तुम्हारे गम में, हर पल। ऐसा लगता है जैसे कि तुम बिल्कुल मेरी अपनी हो। तुम चली जाओगी तो मैं कैसे जीऊंगा? देखो, तुम्हें जाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, बस अपने दिल की बात कह रहा हूं तुमसे। रुको, तुम मेरी बात का मतलब समझ रही हो ना? मैं तुमसे प्यार करता हूं, बताओ मुझे, तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं देती? नहीं, मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचती, छोड़िए मुझे। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम ऐसा सोचो, क्या कमी है मुझ में? I need you, Rita. I need you. छोड़िए मुझे। Rita, please. छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। Rita. क्या हुआ था? इसके आगे का मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। रीटा, कम ऑन प्लीज, याद करने की कोशिश करो। रीटा, कम ऑन प्लीज। सच में मुझे कुछ भी याद नहीं, बस इतना ही याद आ रहा है कि मेरे सर से खून बह रहा था, मैं वहां बेहोश पड़ी थी, खून से लथपथ। यह खबर पेपर में देनी चाहिए। मैं लिखने की हालत में नहीं हूं, यह सब सच्चाई तुम्हें ही लिखनी होगी गोविंद। रीटा को इंसाफ दिलाना ही होगा। हेडलाइन इस तरह होगी, रीटा मैथ्यूज की हत्या की गई। हेलो सर, मॉर्चरी से जो हमें ब्लड के सैंपल मिले थे वो रीटा के ब्लड से मैच करते हैं। अरेस्ट डॉक्टर शुक्ला। डॉक्टर शुक्ला गिरफ्तार। डॉक्टर शुक्ला गिरफ्तार।
पर जो इल्जाम है वो सच है? सच है। अपनी सफाई में कुछ कहना है? श्री ने जो कुछ भी लिखा है उसकी हर लाइन, एक एक शब्द सच है, बिल्कुल सच। क्या मतलब? रीटा की हत्या नहीं हुई है। यस। और वो मरी भी नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। आप जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। माय लॉर्ड, आज मैं अपने इस राज से पर्दा उठाना चाहूंगा। जज साहब, उस दिन जब मैंने रीटा को मॉर्चरी में देखा तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। अपने दिल की बात मैंने उसे कह दी पर उसने इनकार कर दिया। वो नाराज हो गई और उसने मुझे जोर से धक्का मारा। मुझसे खुद को बचाने के लिए वो बाहर की तरफ भागी। किसी बेड के कोने से टकरा कर वो गिर गई और बेहोश हो गई। मैं दौड़कर उसके पास गया और देखा कि उसके सर से बहुत खून बह रहा था। उसे ऐसी हालत में देखकर मुझे लगा कि वो मर चुकी है। मैं शायद बहुत घबरा गया था और उसी घबराहट में रीटा मैथ्यू की बॉडी को मैंने ठिकाने लगाना चाहा। मैंने उसी वक्त तय कर लिया कि इस बात का किसी को चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जब गड्ढा खोद रहा था तभी मैंने देखा कि रीटा की सांसें चल रही है। शायद ऊपर वाला चाहता था कि वो जिंदा रहे। मुझे भी होश आया कि मैं एक डॉक्टर हूं। ये मेरा फर्ज था कि मैं अपने एक होनहार कलीग की जिंदगी को बचाऊं चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उसके लिए मैं जो भी कर सकता था मैंने किया। पूरे 4 महीने तक मैंने उसका इलाज किया लेकिन फिर भी उसे होश नहीं आया। सच कहूं तो रीटा की मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि उसकी मौत कभी भी हो सकती है। मेडिकल साइंस में इसे कोमा कंडीशन कहते हैं। बस इसी सच को दुनिया के सामने कहने से मैं आज तक डरता रहा। नदी के किनारे मेरा एक घर है, रीटा वहीं पर कोमा की हालत में है। पता था। मुझे पहले से ही पता था। उस आधी रात को जब मैं वहां गया था तब उसी वक्त मुझे ऐसा लग रहा था मेरी किस्मत मुझे वहां लेकर आई है। बस जब मैं उस पुराने घर में सो रहा था रीटा मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, शायद बताना चाहती थी अपने कातिलों के बारे में। मैं सब समझ गया दोस्त। देखा तुमने उसे? तुम ही हो, है ना? आखिरकार मैंने तुम्हारे सच को ढूंढ ही लिया। मुश्किल से ही सही, सच सामने आ गया। मुझे बहुत खुशी है, मेरा काम पूरा हुआ। पता नहीं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। अब मुझे जाना होगा। अपने दोस्त गोविंद से भी कह दो कि मैं जा रही हूं। वो अलविदा कह रही है गोविंद। श्री, ये वक्त अलविदा कहने का नहीं है। वो तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती। अगर गई तो उसे वापस ले आएंगे। वापस ले आओगे? वो तुम्हें लेने आ गए हैं। तब तक तुम जाकर अपने शरीर में प्रवेश करो। अंदर जाओ प्लीज। गुड बाय। गुड बाय। मैं अंदर नहीं जा पा रही हूं। श्री, समय नहीं है हमारे पास, जल्दी अंदर जाओ। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए रीटा तो हम उसे बचा नहीं पाएंगे। जाओ, तुम ही उसे बचा सकती हो। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। ट्राई। गोविंद, तेरी बात वो मानेगी? मैं जानता हूं, तू समझ नहीं रहा दोस्त। समय कम है हमारे पास।
इससे पहले कि वो लोग रीटा को ले जाएं, तुम एक बार फिर से कोशिश करो। तुम्हें ये करना ही होगा। कम ऑन, ट्राई प्लीज। मैं कोशिश करूंगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी श्री। रीटा, 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 रीटा। श्री, प्लीज, श्री, प्लीज, प्लीज, आप पेशेंट को नहीं ले जा सकते। अगर आप उसे यहाँ से ले गए तो उसकी किसी भी समय मौत हो सकती है। अरे आप क्या कह रहे हैं? आप बात समझिए, वो सिर्फ एक शरीर है। मेरा यकीन मानिए, वो शरीर में जान नहीं है। अगर आप लोगों ने उसे यहाँ से ले जाने की कोशिश की तो उसकी जान जा सकती है। इसलिए प्लीज गोविंद, गोविंद ने समझाओ। देखिए सर, वो बिल्कुल सच कह रहा है। रीटा, रीटा, रीटा। कोर्ट से ऑर्डर आया है कि रीटा को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। आप दखल अंदाजी मत कीजिए। डॉक्टर प्लीज रुकिए, मेरी बात सुनिए प्लीज। वो पागल नहीं है, मेरी बात तो सुनिए। रीटा, 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 कम ऑन। Go and save her, please. जल्दी करो, नहीं तो वो बच नहीं पाएगी। Please. Rita, 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 try. Rita, please. Once again, go. Rita. नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। वेलकम। तुमने आज वो कर दिखाया श्री, जो आज तक किसी ने नहीं किया। तुमने एक चमत्कार किया है जिसने मौत को मात दी है और जिंदगी की आशा जगाई है। और मेडिकल साइंस से फ्यूचर में ऐसी गलती ना हो, इसलिए सारे स्पेशलिस्ट तुम्हें सुनना चाहते हैं। श्री, तुम दुनिया के सामने एक ऐसा सच लाए हो जिसका दुनिया को कब से इंतजार था। ये कामयाबी सिर्फ तुम्हारी है श्री। क्या हुआ? नहीं नहीं डॉक्टर, आप गलत कह रहे हैं। मैं कामयाब नहीं हुआ, मुझे आपकी सलाह की जरूरत है। मैं तो सिर्फ एक जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रहा था डॉक्टर, लेकिन वो जिंदगी यहाँ मेरे पास क्यों है? रीटा अपने शरीर में वापस प्रवेश नहीं कर पाई। क्या, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ डॉक्टर। क्या कोई इलाज है आपके पास? पता नहीं मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ। आखिरकार मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरी मदद कीजिए प्लीज। आप चुप क्यों? शांत। अब तक तुम्हें जानने का मेरा जो भी अनुभव रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारी मदद अगर कोई कर सकता है तो वो तुम खुद हो। मैं तुम्हें बस इतनी सलाह दे सकता हूँ, उससे बात करो और पूछो कि मुश्किल क्या है। मुश्किल क्या है? इसी मुश्किल का हल ढूंढना है। मैं समझ गया कि क्या करना है। आओ सुनो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कुछ भी कर सकती हो। मैंने कोशिश तो की लेकिन कर नहीं पाई। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो तुम नहीं कर सकती। तुम्हें उस शरीर से बाहर निकली थी ना, तुम्हें अपनी शक्तियों का जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम क्या क्या कर सकती हो। तुम पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकती हो, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। शायद तुम्हें पता नहीं है, यू आर अ सुपर नेचुरल फोर्स। और तुम मुझे ये समझाना चाह रही हो कि तुम अपने शरीर में वापस प्रवेश नहीं कर सकती हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। सच में तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है रीटा। जब हम पूरे मन से कोशिश करते हैं तो कामयाबी जरूर हासिल होती है। उस शरीर में इतनी जान नहीं है कि वो मुझे दोबारा अपना सके। अगर मैं वापस गई तो वो मर सकती है।
और अगर बच भी गई तो वो शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। शरीर से अपाहिज एक लड़की को श्री कैसे प्यार कर पाएंगे? क्या वो भी श्री को पसंद करेगी? क्या पता वो उसे पहचान भी ना पाए। क्या मेरी किस्मत में इसी तरह से बिछड़ना लिखा है? Do you love me? इसका मतलब मेरा प्यार तुम्हें वापस जाने से रोक रहा है, समझ गया? ये जो मेरे और तुम्हारे बीच प्यार का एक रिश्ता बन गया है, वही सबसे बड़ी रुकावट है। इसी वजह से तुम वापस नहीं जा पा रही हो। तुम मुझे प्यार करती हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, यही बाधा है। लेकिन कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। तुम्हें अपने प्यार को, जज्बात को भूलकर वापस जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें खो बैठूंगा। मैं जानता हूं कि मैंने तुमसे कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन शायद आज सही वक्त आ गया है कि मैं तुमसे अपने दिल की बात कह दूं। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। अब अगर तुम चाहोगी तभी मैं तुम्हें पा सकता हूं। मैं भी ये चाहती हूं। मैं वापस अपने शरीर में जाके जिंदा होना चाहती हूं, लेकिन मैं ये कर नहीं पा रही हूं। क्या तुमने मेरी कोशिश नहीं देखी? तुमने मेरे दिल को छुआ है श्री। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूं, मेरा भरोसा करो। मैंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन मैं उस शरीर में जा नहीं पाई। इट्स अ फैक्ट, प्लीज बिलीव मी। तुम इस तरह चुप क्यों हो? हॉस्पिटल से कोई अच्छी खबर नहीं आई है। रीटा की हालत बहुत नाजुक है। उसकी जिंदगी बच पाने का सिर्फ 10% चांस है। डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी उसे ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रख पाएंगे। फिर भी उसे बचाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। कोशिश नहीं, रीटा की जान को बचाना ही होगा। रीटा मैथ्यूज को जिंदा होना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं मानता कि उसके बचने के चांसेस नहीं है। आप चाहे माने या ना माने, ये जो लड़की मेरे सामने खड़ी है, इसे बचाने के लिए मैं किसी भी हद से गुजर जाऊंगा। अब जो बात मैं आप लोगों से कहने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि मुझ पर भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। रीटा के पास ज्यादा वक्त नहीं है, ये मैं जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि उसकी आखिरी सांस आज की रात किसी भी पल रुक सकती है। ये मेरी कल्पना नहीं है बल्कि सच है। और अपने प्यार को ऐसी मौत से बचाने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता है। वो क्या? अगर रीटा की जिंदगी वापस लानी है तो मुझे ही उसे खत्म करना होगा। बिल्कुल अभी और इसी वक्त। ये तुम क्या कह रहे हो श्री? देखो श्री, तुम जितना कर सकते थे उतना तुमने किया। अब उसकी किस्मत बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे किसी भी हाल में किस्मत के हवाले नहीं करूंगा। रीटा की किस्मत मैं तय करूंगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर उसे कुछ हो गया तो तुम ही कातिल माने जाओगे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरा दिल मुझसे कह रहा है कि यही करो श्री, और मुझे ये सब करना ही होगा। आई विल डू दैट। रुको श्री। पेशेंट की पल्स चेक की। श्री रुक जाओ, ऐसा मत करो। ये उसका सिर्फ शरीर है, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा तुझे। छोड़ो मुझे श्री। गोविंद, मेरे पास समय नहीं है। गेट आउट श्री। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। डॉक्टर श्री, चलो श्री, ऐसा मत कर। गेट आउट, गेट 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 आउट श्री। अपने आप को शांत कर, ऐसा मत कर। गेट आउट श्री, तू होश में तो है? एवरीवन आउट श्री। श्री मैं तेरा दोस्त हूं, तू मुझे भी श्री। श्री देखो, ऐसा मत करो प्लीज। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी।
मैं ये नहीं करने दूंगी। अपनी रीटा को बचाने के लिए मुझे ये सब करना ही होगा। मुझे रोकने की कोशिश मत करो। श्री मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। ऐसा करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, समझे तुम? श्री श्री रुक जाओ। श्री ऐसा मत करो, वो मर जाएगी। श्री अरे ऐसा मत करो। चमत्कार हो गया। मेडिकल साइंस की किसी भी सहायता के बगैर मैंने कर दिखाया। तुम सबका कहना था कि उसके बचने के सिर्फ 10% चांस है, लेकिन फिर भी वो जिंदा है। रीटा मैथ्यूज जिंदा है, सांसें ले रही है। जाओ देखो, जाकर देखो, जाकर। गोविंद श्री तूने कर दिखाया। अरे ये तो कमाल हो गया। अरे ये तो चमत्कार है। यस। अब आगे क्या? मेरा रोल अब खत्म हो गया है डॉक्टर। अब मैं जाऊंगा और अपनी इन मालाओं के सहारे अपनी आत्मा की तलाश करूंगा। तुम जानते हो रीटा के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सच में बहुत चमत्कारिक हैं। लेकिन उसके सर में चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त और शायद उसे बोलने में दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर्स ने एक बात और कही है, रीटा जब भी होश में आ जाएगी उसके अपने और करीबी लोगों को उसके आसपास होना चाहिए। रीटा
रीटा वेक अप, रीटा वेक अप, वेक अप रीटा, कम ऑन, तुम ठीक हो? क्या किसी को पहचानती हो? नो रिस्पॉन्स, कोई हरकत नहीं। देखो कौन आया है। रीटा, मैं गोपाल। सब बताऊंगा तुम्हें बाद में। ये बात करने का वक्त नहीं है। यू रिलैक्स। रिलैक्स? रीटा को अपना शरीर वापस मिल गया। अब इन दोनों के दिल के मिलने का समय है। हमें बाहर जाना चाहिए। हाँ हाँ सही कहा। चलो चलो भाई। रीटा अब तो मुझे बताओ श्री, आखिर हुआ क्या था मुझे? बताऊं? हम दोनों की आंखों ने मिलके एक साथ बहुत सारे सपने देखे थे। वो सपने जो सिर्फ हम दोनों के थे। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ मैं और तुम हो। एक जादू भरा संसार जहां हम दोनों हो और कोई नहीं। मेरे इस तरह लौटने से हमारे सपने तो टूट नहीं जाएंगे ना? तुम्हारे होने से ही तो सपने सच होंगे। अब हम अपने सपनों को साकार करने के लिए हमेशा साथ रहेंगे। रीटा अब हम कभी जुदा नहीं होंगे।